लो, सवेरे सवेरे ही पड़ गए घास फूस के चक्कर में। घास फूस नहीं काका, कम से कम फूल पत्ती कह दो। बाबू, आज 14 वर्ष से यहाँ चौकीदारी कर रहा, भांत भांत के लोगों को देखा है इस पहाड़ पर आते हुए। कोई घूमने आता है, कोई शहद बनाने और कोई शहद बिगाड़ने भी आता है। लेकिन ये घास फूस खोदने वाले तुम पहले ही आए हो। फिर वही घास फूस। काका, मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ, लड़कों को वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ। लो, अरे खुद तो खराब हुए, बच्चों को भी खराब करते हो। तुम्हें स्कूल में घुसने किसने दिया? अपनी भारत सरकार ने। ये भारत सरकार तो बहुत ही फालतू काम कर रही है आजकल। अच्छा काका, तुम्हारे पोते की खबर मिली? कैसा है वो? भगवान जाने, ना गांव से कोई चिट्ठी आई है, ना सरकार से। सरकार से? हाँ, सरकार को एक दिन की छुट्टी की दरखास्त, पर कोई जवाब ही नहीं आया। काका, तुम जाओ देख करो उसे, एक ही दिन की तो बात है, और फिर यहाँ बंगले में मेरे सिवा है भी कोई नहीं। एक दो दिन में लड़कियों की एक टोली आने वाली है। एक दो दिन में आने वाली है ना, तब तक तुम आ जाओगे? अगर वो पहले आ गए तो मेरी नौकरी जाएगी। ओह काका, तुम्हारा पोता बीमार है और तुम्हें नौकरी की फिक्र हो रही है। अगर कोई आएगा तो मैं संभालूंगा, ये लो। लो ना, अब सीधे अपने पोते के पास जाओ। जाओ काका, सुनो जरा। अरे ये क्या? ये आप चादर उतारो। ये कोट तुम पहन लो। पहन कोट? क्यों काका, असली लग रहा हूं ना? बिल्कुल चौकीदार। अब तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी ना। अब तुम जाओ और चाबी मुझे दे दो। ये लो। तुम जाओगे कैसे? बस ये पहाड़ी उतरी सामने पगडंडी, 4-5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, तुम जाओ जल्दी। जाओ जाओ। Thank you.
ये सामान उठाओ। तुम लोग सब अपना अपना सामान उठाओ ना, वो बेचारा अकेले कैसे उठाएगा। लो आई अपनी कम्युनिस्ट। इसमें कम्युनिज्म की क्या बात है? हाँ मैम साहब, बोलिए बोलिए मैम साहब। चलो ये सब सामान उठाओ। हाँ हाँ आप लोग चलिए, मैं सामान लेके आता हूँ। चलो। अरे कोई मुझे भी तो सहारा दो, मुझे भी तो बाहर निकालो। आइए आइए दीदी। अरे तू कहाँ गई, तू दब जाएगी, जा। अरे जा कहाँ रहा है, मुझे भी तो निकाल। हाँ जी हाँ जी। ओह आइए आइए। एक मिनट अब आइए। बड़ा कमजोर चौकीदार है, हमारी बुकिंग कल से है लेकिन हम आज आ गए। कहाँ इंतजाम किया? हाँ है इंतजाम, पहले ब्लॉक ले लीजिए। चल आप लोग चलिए। अरे लड़कियों चलो साथ। चलिए मैं सामान लेके। अरे यहाँ तो एक आदमी के सिवा और कोई है ही नहीं। कौन है रे? डॉक्टर परिमल त्रिपाठी। डॉक्टर परिमल त्रिपाठी, सुरेखा जल्दी आ, डॉक्टर परिमल त्रिपाठी घर आ। परिमल त्रिपाठी, तुझे कैसे मालूम? ये देख लिखा हुआ है रूम नंबर 8। चल तो देखे। अरे ये तो है 8 नंबर का कमरा। कहाँ है प्रोफेसर त्रिपाठी? बुलाना। प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर त्रिपाठी। आप जहाँ क्या कर रही हैं? अपने अपने कमरों में जाइए। प्रोफेसर त्रिपाठी यही ठहरे हैं? हाँ है, कोई भारत सरकार के आदमी, घास फूस के डाकदार। छी घास फूस नहीं, कम से कम फूल पत्ती तो कहो। आप जानती हो उन्हें? हाँ हम सब बॉटनी के स्टूडेंट हैं, उन्हीं के लिखे हुए किताब पढ़ते हैं। कहाँ है प्रोफेसर त्रिपाठी? वो अपने पोते को देखने। पोते को? हमने तो सुना था बहुत यंग आदमी है। जी नहीं, वो तो बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं। कब आएंगे वो? आप कब जाएंगे? 2-3 दिन के बाद। हाँ तो मेरा ख्याल है वो भी 2-3 दिन के बाद ही आएंगे, भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते वो। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। जाइए जाइए जाइए, शाबाश। आया मैम साहब, आया। बहुत भूख लगी है दीदी। अरे उसी का तो इंतजाम कर रही हूँ। चौकीदार, कुछ खाने वाने का इंतजाम है? नहीं मैम साहब, इधर तो सिर्फ नहाने का इंतजाम है। तो तुम कहाँ से खाते हो? मैं उधर सामने होटल में खाता हूँ। तो भाई हमारा भी वही इंतजाम कर दो ना। अब इन सब के लिए बंदोबस्त करना तो मुश्किल है। अरे तो भाई बख्शीश देंगे। ये लो। ये क्या, 2 रुपए? प्रोफेसर साहब 5 का नोट देते हैं और फिर आपके साथ तो इतनी सारी पहुँच है। अच्छा तो भाई ये लो 5 रुपए। हाँ हो जाएगा जी बंदोबस्त। और सुनो, नीचे 3 बजे चाय दे सकोगे? नीचे मुश्किल है, मैं ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं दे सकोगे? नहीं दे सकोगे? जा सकूंगा। बोलिए कहाँ पहुँचाना है? वहाँ नीचे पहुँच जाएगा जी। और सुनो, अंडा ब्रेड मक्खन भी ले आओगे? जी हाँ, 5 पहुँच जाएंगे जी। आए 5 कौन? अंडा ब्रेड मक्खन चाय और मैं। बहुत होशियार मालूम पड़ते हो। एम शाह, इसमें से जो पैसा बचेगा उसका क्या करना? वो तुम रख लेना। अरे बारे ऊपर वाले, तेरा जवाब नहीं, जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। जितना बड़ा जिस्म दिया है उतना बड़ा दिल भी दिया है। क्या बकते हो? कुछ नहीं बकता जी। गर्ल इधर आओ। जी जी। ठीक 3 बजे नीचे क्लास है, स्पेसिमेन कलेक्ट करो और बोर्ड का इंतजाम करो। समझ गई ना? ठीक 3 बजे। ओके ओके। तुम लोगों को मालूम है मूल के इस भाग को मतलब पंखुड़ी को करोला कहते हैं। आज जो हम स्टेटमेंट लाए हैं उनको करोला कॉपी पर बनाओ। उस दिन तुम्हें बताया था कि कंपाउंड फूल किसे कहते हैं, जैसे गेंदे का फूल। गेंदे का फूल असल में एक फूल नहीं बल्कि छोटे छोटे फूलों का गुलदस्ता है। उसकी हर पंखुड़ी एक फूल है। आज जो स्टेटमेंट कलेक्ट किए हैं उनमें से कंपाउंड फ्लावर्स अलग करो। अरे चलो लड़कियों नाश्ता कर लो, चलो चलो। कम ऑन क्विक। अरे ये तो कच्चे अंडे हैं। और कैसे होते हैं? उबाल के लाने थे ना। मुझसे तो नहीं कहा था, मैंने सोचा था इधर ही उबाल लेंगे, पिकनिक मनाएंगे।
तो क्या मैं अभी उबाल देता हूँ। पानी कहाँ है? ये क्या उनका सामने झील है ना, आप में से एक दो मेरे साथ आइए, जरा जल्दी हो जाएगा। आइए मेरा हाथ बताइए। चल कांता। आओ कांता जी। मैम साहब तुम बैठो 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 ना। प्रोफेसर त्रिपाठी आ गए? जी नहीं, वो तो नहीं है। अरे आप वहां बैठ रही हैं, मैं कुछ लाता हूं। नहीं ठीक हूँ, तुम मैं लाता हूँ। बैठो। जी प्रोफेसर त्रिपाठी, क्या सचमुच बूढ़े हैं? हाँ बूढ़े तो हैं, लेकिन बहुत बूढ़े नहीं। हाँ उनका मुंह थोड़ा एक तरफ को टेढ़ा है, बात करते तो ऐसे हो जाता है, बेचारे को लकवा है ना। ए मैम साहब, ये प्रोफेसर त्रिपाठी के बूढ़े होने से आप क्यों निराश हो रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कहीं कि इतनी कम उम्र में किसी प्रोफेसर ने बॉटनी में इतनी तरक्की कभी नहीं की। अरे इन प्रोफेसर की जवानी भी तो 50 साल की उम्र में आती है, जब दांत गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। अक्कल की जवानी है ना, सकल की तो नहीं। नहीं नहीं ये बात नहीं, डॉक्टर त्रिपाठी भी तो हमारे इलाहाबाद के ही हैं। अच्छा तो आप इलाहाबाद से हैं? तुम कभी गए हो वहाँ? जी मैं गया तो नहीं, लेकिन इलाहाबाद कौन नहीं जानता। मेरी बड़ी बीबी कहती है कि वो जी हाँ, मेरी दो बीवियाँ हैं। और बच्चे? बच्चे दोनों के मिला के 12 है, 2 बीवियाँ 12 बच्चे। बाप रे, 2 बीवी 12 बच्चे, ये तो कोई पिक्चर का नाम मालूम होता है। ये मैम साहब, इस तरह चौकीदार के साथ बैठ के हंसना ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरी छोटी बीवी है ना, एकदम चुड़ैल है, आपको इस तरह मेरे साथ बैठे देख लेगी ना तो टोपी समेत मेरे बाल गचक गचक नोच लेगी। आप मेहरबानी करके जाइए यहाँ से, जाइए मैम साहब। काका तुम आगे तुम चल चल कमरे में बैठो, आराम करो। मेरे काका हैं, मेरा मतलब चाचा हैं। तो ये क्यों भागा है आवाज देने पर? एक ही जात के हैं ना। जात? हाँ चौकीदारी हमारी जात है, कहीं से आवाज पड़े सब चौकीदार एक साथ बोल पड़ते हैं। तुम्हारे पास एक लंबी रस्सी है? जी है। किसे बांधना है? तुम्हें। जी सामान बांधना है, अगर है तो लाओ। है जी, अभी लेके आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है बाबूजी? सब करना पड़ा काका, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाती। उधर तुम निकले, इधर इनकी बस आ गई, ये नाटक निभाना पड़ा मुझे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पोता कैसा है? बुखार तो नहीं है, कमजोरी भले बहुत है। अच्छा चलो अब तुम नहा धोकर कपड़े बदली कर लो। अरे नहीं काका, अभी ये नाटक जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। क्या मतलब? अरे हाँ ये सब मेरा नाम तक जानती हैं। पूछ रही थी प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी गए कहाँ हैं। भागते हैं। तुम जाओ जाओ काका। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये नाटक क्यों किया आपने? जी मैंने सब सुन लिया है।
आपने सुन लिया ना? अब देखिए, अगर मैं नाटक नहीं करता तो ये बेचारा अपने पोते को देखने कैसे जा सकता था? तो हर वक्त आप टिप्स क्यों मांगते थे? अब आप ही बताइए, बगैर टिप्स मांगे मैं चौकीदार दिखता? प्रोफेसर त्रिपाठी जी, चौकीदार बन के पूरे 12 रुपए हिट चुके हैं आप। जी हाँ, लाइए सारे टिप्स वापस करिए। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। इस वक्त चेंज नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप सारे रख लीजिए, रख लीजिए। अरे सुनिए तो जी, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी का लकवा का मारा हुआ तेरा मुंह देखना चाहती हूँ। टोपी उतारिए। जी उतारिए टोपी, नहीं तो मैं भांडा फोड़ दूंगी। बॉक्स भी उतनी भारी है जितनी यार। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो चलो, सामान देख लिया। अरे आओ तो किधर, जरा मुझे भी तो अंदर धकेल दे। जी जी मैम साहब, ठहरिए। ला बैग ला, बैग ला जल्दी। जी जी हाँ। लाई मुझे दीजिए। नहीं 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 दीजिए ना, आपको टिप नहीं देनी पड़ेगी। आह चौकीदार, देखो जब वो प्रोफेसर त्रिपाठी आएंगे ना, उन्हें हमारा बहुत बहुत प्यार देना। क्या? और ये लो। जे क्या? तुम्हारी बख्शिश लो। ये लो काका, बख्शिश दे गई। ये पर्चा कैसा है? पर्चा? अपना पता दे गई काका। वही जिसने पैसे दिए? हाँ वही। जय बजरंगबली। सुलेखा चतुर्वेदी के अरब हरिपद चतुर्वेदी, कॉलेज रोड इलाहाबाद। आप उनके बुजुर्ग हैं, आओ। तो प्रोफेसर त्रिपाठी चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की शादी एक बाइज्जत खानदानी चौकीदार से करके इन सोशलिज्म का सबूत दूं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे साहब, अपना लड़का चौकीदार नहीं, वो तो बाकायदा घास फूस का डॉक्टर है। डॉक्टर? घास फूस का डॉक्टर? हमारी बहन कोई गाय भैंस है जो घास फूस उसके काम आए? वो घास फूस नहीं, फूल पत्ते का डॉक्टर, जिसे अंग्रेजी में आप प्रोफेसर कहते हैं। प्रोफेसर? ओ, वो तो बिल्कुल निकम्मे लोग होते हैं। निकम्मे? और क्या, उनको काम के सिवा और कुछ नहीं आता। नहीं नहीं काका, इस शादी में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। हेलो। जी हाँ, मैं प्रशांत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। ट्रंक कॉल कहाँ से? इलाहाबाद से। हाँ दीजिए दीजिए दीजिए। ट्रंक कॉल? हाँ परिमल का होगा, तुम नहीं मिली उससे, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हेलो। हाँ प्रशांत, मैं हूँ परिमल। बंबई का क्या हाल है और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है। क्या बात है, आज अचानक कैसे याद कर लिया भाई? यार मेरी शादी तय हो गई है। शादी? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसके साथ? एक लड़की के साथ। और सुन, अगले शुक्रवार तक भाभी को लेकर हर हालत में इलाहाबाद पहुंच जा। इतने शॉर्ट नोटिस पर कैसे पहुंच जाऊं यार?
तू ऐसा कर, शादी करके बंबई आ जा। हाँ, हनीमून यहीं आकर मनाना। हेलो हेलो, कट हो गया। हेलो, ये टेलीफोन वाले भी, आई टेल यू, इनको सुधारने का एक ही तरीका है, मीसा। ये लो, वही हुआ जिसका मुझे डर, हरी का हरी कर। ये तिथि भी मोटे अक्षरों में चाहिए। जा अभी प्रेस में जाओ और जरा देखो तो, बंबई टंक कॉल बुक किया था उसका क्या हुआ। नंबर है 532271 और पीपी है राघवेंद्र शर्मा। सुमे जल्दी इधर आओ, इलाहाबाद से टंक कॉल है। हेलो राघव। ए हरिभक्त भैया, शादी की बात कहाँ तक पहुँची? तय हो गई? कब? अगले शुक्रवार को, सिर्फ 6 दिन बाकी है और मैं इस उम्र में अकेला कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप क्या अपनी शादी कर रहे हैं? इस जन्म में कोई चांस नहीं, मजाक छोड़ो, तुम लोग जल्दी चले आओ और संभालो। मगर इतनी जल्दी कैसे तय हो गया सब? उसके भाई भाभी इंग्लैंड में सेटल हो चुके हैं और वो यहाँ अकेला ही रहता है। हेलो, इसी शुक्रवार को अगर विवाह न हुआ तो फिर मुहूर्त 2 महीने के बाद निकलता है और लड़के ने भी इसी शुक्रवार पर जोर दिया है। तुम लोग 2-1 दिन में पहुंच जाओ। किसको फोन है? लो सुलेखा से बात करो, तेरे जीजा जी। जीजा जी, हेलो हेलो जीजा जी। कौन? सुलेखा? अरे भाई चट मंगनी पट गया का इससे अच्छा उदाहरण मैंने कभी नहीं देखा। जी जी जी, इतने बड़े बिजनेसमैन को छोड़कर तुमने एक प्रोफेसर से, लगता है पहले से ही कुछ चक्कर था। कमाल करते हैं आप, मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक। ऐसा तो मेरे दुश्मन का शुभ नाम क्या है? परिमल त्रिपाठी। परिमल? जाइए, अब बड़े वो हैं। तो वो क्या छोटे वो हैं? अच्छा सीरियसली बताओ, देखने सुनने में कैसा है? ठीक है। अच्छा, अभी तो बोल रही थी कि देखा ही नहीं, अब कहती हो कि ठीक है। अरे मुझसे झूठ बोल के कहाँ जाओगी, मगर एक बात बता दूँ, मुझको छोड़कर मल के पीछे, मेरा मतलब है परिमल के पीछे भागने का फल तो विवाह के बाद ही पता लगेगा। बट बट 6 मिनट ओवर। ओहो ओके सुलेखा, बाय बाय। हो गया फोन? हाँ बधाई हो, सुलेखा का विवाह पक्का हो गया है, परसों ही हमें रवाना होना है, इसी शुक्रवार का मुहूर्त निकला है। इसी शुक्रवार का? मगर रत्ना का बुखार उतरता ही नहीं, आज तो और भी ज्यादा तेज हो गया है। ओह डॉक्टर पथारे को टेलीफोन किया? जी। चलो देखो, चलो। और क्या लाऊं साहब? एक कप चाय और ले। साहब आप पहले ही 5 पी चुके हैं। जहाँ 5 पी सकता हूँ 6 भी पी सकता हूँ। ले। I'm very very sorry. Please, हाँ? I'm very very sorry. क्या हुआ कि? चिज्जा जी का ट्रंक कॉल आ गया है ना? My God, आपको कैसे मालूम? इतने दिनों से एक ही नाम तो सुन रहा, हमारे जीजा जी ये हैं, हमारे जीजा जी वो हैं, आज जीजा जी को कॉल आया था, जीजा जी को चिट्ठी लिखनी है, जीजा जी ने ये कहा, आपने जीजा जी से वो कहना है। इतने जलते क्यों है जीजा जी से? जलता नहीं हूँ, लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर आने लगा, पता नहीं क्या अफलातूनी चीज है। पहले बैरिस्टर थे जीजा जी, अब साबुन की फैक्ट्री लगाई है, इसमें भी जीनियस है, जीनियस जीजा जी। कितने रुपए बनाए हैं जानते हैं? चाहते तो मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन साबुन बेचने लगे है ना? मजाक मत करो, उनके सूरज से भी नूट टपकता है। अच्छा, तस्वीर दिखा उनकी? तो तस्वीर भी साथ रखती हो? जी हाँ, मुझे सोचने के लिए भी उनकी जरूरत पड़ती है। ये देखो, ये टकला। सॉरी, मेरा मतलब श्रीमान टकला जी साहेब। फिर कोई खतरा नहीं, ये साथ में कौन है? मेरी दीदी। अच्छा, तो तीसरी शादी है तुम्हारे जीजा जी की? पहली शादी, तीसरी क्यों? बाप रे, पहली शादी में इतने बाल उड़ गए? लाओ वापस दो, खामखा मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ भी है, तुम्हारी दीदी तुम्हारे जीजा जी के सामने उनकी बेटी लगती है। मेरी जितनी बेटी है उनकी, शिमले में पढ़ती है। देखो कुछ तुमने आने से पहले देर कर दी, कुछ अब देर कर रही, चलो। कहाँ जाना है? जीजा जी के पास। अरे भैया, मैं राघव बोल रहा हूँ, एक बड़ी मुसीबत आ गई है, रत्ना को बुखार आ गया है और डॉक्टर कहते हैं कि शायद टाइफाइड ना हो, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। इस हालत में तो तुम लोगों का आना मुश्किल है, शादी 2 महीने के लिए टाल दूं?
नहीं भैया नहीं, शुभस्य शीघ्रम। हाँ शादी मत डालिए, रत्ना ठीक हो गई तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। सुलेखा को समझा दीजिएगा, बाद में फोन करता हूँ। और सुनिए परिमल का एक फोटो भिजवा दीजिए। अच्छी बात। तुम्हारे जीजा जी हैं? ओह तुम्हारे सर से जीजा जी का भूत कभी नहीं उतरेगा। जीजा जी भूत नहीं है। भूत से कम नहीं। देखो ये मेरे छोटे भाई जैसा है, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर है अंग्रेजी का। कुमार, ओ कुमार। कौन? परिमल भैया। एक मिनट एक मिनट। स्मूथ सेंस ऑफ ह्यूमर का तो जवाब नहीं। आइए भैया, आइए आइए आइए। अब से घंटी बजा रहा हूँ, सो रहे थे? माफ करना भैया, घंटी खराब हो गई, बजती नहीं। लेकिन अपनी घंटी तो बज गई। क्या मतलब? शादी तय हो गई। अरे किन से? मिलवाता हूँ। आप हैं सुलेखा चतुर्वेदी और आप हैं सुकुमार उर्फ कुमार। कुमार यही मुझसे शादी कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। तो आप किससे शादी कर रहे हैं? मैं इन्हीं से। ओहो ऐसा कहिए ना कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। आइए 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 आइए। भाभी तो कह सकता हूँ ना आपको मैं। कह लो कह लो, इस बार पक्की। इस बार क्या मतलब? इस बार मतलब ये कि पहले भी बहुत सी लड़की मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मगर मैं क्या? आप कहना चाहते मैं आपके पीछे पड़ गई थी? मैंने ऐसा कब कहा भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार मैं किसी लड़की के पीछे पड़ गया। आइए 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 भाभी, आप पहली दफे घर आए हैं, कहिए मैं आपकी क्या कर। नहीं देर हो जाएगी, जीजा जी का टेली। कुमार ए कुमार, अरे ना यार, इनके जीजा जी का टेलीफोन आने वाला है। अरे रिश्तेदारों के टेलीफोन तो अब आया ही करेंगे भैया, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। भाभी देखिए आप पहली दफे हमारे घर आई हैं, अब की। अच्छा तो एक काम करिए, कानपुरा सितार सब हाजिर है, जल्दी से गाना सुनाइए। हाँ कुमार पहले तुम गाओ फिर सुलेखा गाएंगे, बहुत अच्छा गाए। अच्छा तो भाभी पहले आप शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं नहीं पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी। तो एक काम कीजिए भैया, आप ही शुरू हो जाइए ना। और ठीक है हम गाते हैं। आप गाते भी हैं? खास फूस का डॉक्टर और गाना। देखा कुमार होने वाले पति पे कितना भरोसा है, कितनी रिस्पेक्ट है। भैया अभी सबूत दिए देते हैं। अरे भाभी आपको क्या मालूम, कॉलेज फंक्शन में हम दोनों ने एक साथ गाना गाया तो और फर्स्ट प्राइज जीते थे, है ना भैया? एक मिनट दो मिनट। तुमने बताया क्यों नहीं तुम गाते हो? सुलेखा पति के गुण धीरे धीरे पता चलना चाहिए, उससे प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा ये बताओ ये मेरा दोस्त कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा वो शादीशुदा है कुमारी? ए मैम साहब क्या कह रही हैं आप, कहीं अपना पत्ता काटने का इरादा तो नहीं? छी उन्होंने मुझे भाभी कहकर पुकारा, और तुम वो रूपा है ना शिमले में पढ़ती है, जीजा जी की बड़ी लड़की। नहीं हरगिज नहीं। क्यों? पहली बात तो ये कि वो तुम्हारे जीजा जी की लड़की है, और दूसरी बात ये कि मेरा एक दोस्त है प्रशांत, बंबई में रहता है, कुछ दिन पहले यहाँ आया था, कुमार का बहुत अच्छा दोस्त हो गया, उसकी एक साली है और कुमार प्रशांत को बहुत पसंद है। क्यों भाभी लग रहा ना हम दोनों जुड़वा? चलो भैया दिखा दे भाभी को एक घास फूस का डॉक्टर भी। क्या घास फूस नहीं, कम से कम फूल पत्ती। चलिए चलिए शुरू तो हो जाइए। नमस्ते प्रोफेसर त्रिपाठी, कंग्रेचुलेशन तुम्हारे लिए नहीं आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू क्या, पहले खोल के तो देखो। अरे अरे इतना कीमती तोहफा। चौकीदार देखो टिप नहीं मानना। टिप तो मिल गया। Thank you.
ख्याल है कुछ ज्यादा खा लेने से तबीयत गड़बड़ हो रही है डॉक्टर साहब। कुछ ज्यादा कहते हैं डॉक्टर चाचा, 20 दिन में हमने 30 लंच और 30 डिनर खाए हैं, उसके ऊपर 25 ब्रेकफास्ट और 15 चाय पार्टी। क्यों भाई, क्या डर था कि फिर खाना नहीं मिलेगा? ये बात नहीं डॉक्टर साहब, दोस्तों को डर था कि फिर शादी ना हो, इस बार जितना जी भर के खिलाओ अच्छा है। मुश्किल क्या है डॉक्टर चाचा, इनके दोस्तों का सारा प्यार पेट में भरा हुआ है, दिल में नहीं। तो यूं करो अब कि दो वक्त खाना मत खाओ, सिर्फ ये गोलियां खा लेना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं फट जाऊंगा, अब तो मैं बंदूक की गोली खा सकता हूँ, इनके लिए गुंजाइश नहीं। तो फिर ऐसा करो, खाना मत, निगल लेना पानी से। निगल लो, मैं चलता हूँ। देखा आज रात के नहीं होते फिर क्या होगा, वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, पैगंबर नहीं जाऊंगा तो बेचारा दुखी हो जाएगा। आपके दोस्तों को इतनी अकल नहीं है, 20 दिन हुए हमारे शादी को और एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ते। क्या हुआ बस आज के दिन? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ, कम से कम एक महीना तक आपके साथ किसी भी पार्टी में नहीं जाऊँ। एक काम करो, देखो आज डिनर खा लो, कल कसम खा लेना। मैं हरगिज़ 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 नहीं जाऊँ। एक महीना नहीं हुआ शादी हुए, ये सूरत निकल आई तुमको? आई आई भैया, आई झगड़ा हो गया? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं तुम दोनों का मूड ठीक कर देता हूँ, मैं दोनों के लिए नेता लेकर आया हूँ। क्या? ओह नो। क्यों, क्या हुआ? नेता का नाम मत लीजिए घर में, खट्टे दकार आने लगते हैं। ठीक कह रही है भैया, ऐसी बात पे तो झगड़ा हो रहा है। अरे सुनो तो, राघव ने तुम दोनों को बम्बई बुलाया। सुनो, पूजनीय हरिपत भैया, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उन दोनों का प्रस्थापन शीघ्र ही बम्बई के लिए करा दें। जलवायु के परिवर्तन के साथ साथ नवविवाहित दंपति के लिए ऐसी यात्रा पारस्परिक अंतर्ज्ञान के लिए भी सहायक सिद्ध होती है। जीजा जी हैं ऑल इंडिया रेडियो। बस यही एक बीमारी है राघव को, जबान जो भी बोलो शुद्ध बोलो। ये बहुत अच्छा होगा, बॉम्बे जाकर इन पार्टियों से तो बच जाएंगे। नहीं, ये न्योता मंजूर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अभी अभी आपकी बहन ने मेरे सर की कसम खाई है कि मेरे साथ किसी भी न्योता पर नहीं जाएगी। लेकिन कसम जीजा जी के लिए थोड़ी खाई थी। कुछ भी है, न्योता तो न्योता ही होता है। सॉरी, देखो तुमने मेरे सर की कसम खाई है, मैं अपनी बीवी को विधवा तो नहीं देख सकता। मजाक छोड़िए और बॉम्बे जाने का प्रोग्राम बनाइए। नहीं, हमारा बम्बई जाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो अच्छा भाई, तुम लोग अपना मसला हल कर, मेरी तो इससे भी बड़ी एक समस्या है। क्या? तुम्हारे जीजा जी ने थोप दिए मेरे सर पे, उन्हें एक ड्राइवर चाहिए इलाहाबाद से। क्यों? इलाहाबाद से क्यों? क्योंकि बम्बई में शुद्ध भाषा बोलने वाला ड्राइवर नहीं मिलता, इसलिए। अब आजकल इलाहाबाद में ही शुद्ध भाषा बोलने वाले ड्राइवर कहाँ है? भैया मैं आपको अवश्य एक ऐसा वाहन चालक दे सकता हूँ। क्या दे सकते हो? वाहन चालक यानी कि ड्राइवर। ओह, अरे भाई तुम तो सीधी सादी जबान में बात करो, बड़ा उपकार होगा अगर ऐसा आदमी दिला दो। कौन है वो? सेवक आपके सामने उपस्थित है। हाँ, इस तरह आपकी और हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, इनकी कसम नहीं टूटेगी और जीजा जी के दर्शन हो जाएंगे। आखिर नौकरी तो कोई न्योता नहीं होती। देखो भाई, मैं ठीक ठीक समझा नहीं अभी तक। मैं समझाता हूँ आपको, कल ही आपकी चिट्ठी लेकर मैं नौकरी में चला जाता हूँ। ड्राइवर बन के? हाँ, पहले एक्ट में मैं जाता हूँ, दूसरे एक्ट में यानी कि 5-7 दिन के बाद तुम आ जाना। एक सेकंड में पकड़े जाएंगे आप। अरे जाइए जाइए, आप पकड़ सकी थी चौकीदार को। मेरी बात और है, लेकिन जीजा जी वो तो सांस सूख लेते हैं आदमी की, और फिर वो तो आपकी फोटो भी देख चुके हैं। अरे इसके बावजूद भी नहीं पकड़ सकेंगे। रही शर्त, भैया पिछले 20 दिनों की शादी में 20,000 बार इनके जीनियस जीजा जी के गुण सुन चुका हूं, लगता है भगवान कृष्ण का अवतार है। और उनकी छाप इनके मन में बहुत गहरी लगी, कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपनी पत्नी की नजर में स्थान बना सकूं। मैं ये बात साबित कर देना चाहता हूं कि मैं इनके जीजा जी से किसी बात में कम नहीं। पकड़े जाओगे बच्चों, पकड़े जाओगे, रास्ता स्थान भी चला जाएगा और भी फिसल जाओगे पत्नी की नजरों में। कम से कम एक चांस दीजिए मुझे, एक तो जबरदस्त सिफारशी खत दे दीजिए मुझे, और दूसरे एक ट्रंकल कर दीजिए जीनेश जी को, मेरा मतलब है इनके जीजा जी को, उनसे कह दीजिए एक खानदानी ड्राइवर पेश खिदमत है, बस जल्दी पहुंचा है
और सुलेखा भी दो चार दिन में पहुंच जाएगी, और उसका पति बुद्धू राम परिमल घास पत्तों का डॉक्टर पटना गया है, बाद में आएगा। चलिए उठिए भैया, कल कल कर दीजिए और शाम को मैं चिट्ठी ले लूंगा। आइडिया बुरा नहीं है, फिर भी एक बार सोच लो। अच्छा सुलेखा, शादी हुए महीना भर भी नहीं हुआ और तुम मुझे अकेले छोड़ के जाओगे। विरह के बाद जो मिलन का मजा आएगा वो तो सोचो। मिलन भी कहाँ, अगर पकड़े ना भी गए तो तुम गैरेज में रहोगे और मैं ऊपर। तू क्या, मैं ऊपर आ जाया करूंगा, नहीं तो तुम गैरेज में आ जाया करूंगा। जी नहीं, शरीफ घर की लड़कियाँ रात को चुपके चुपके ड्राइवर से मिलने नहीं जाया करती। बेगम, इश्क का मजा ही चुपके चुपके इश्क करने में। घबराइए नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, पर निकालने से पहले पकड़े जाएंगे। अभी तो सिर्फ सुना है, जब देखेंगे जीजाजी को तब समझेंगे। उफ, फिर वही जीजाजी। क्या हुआ, अकेले अकेले हंस रहे हो? ये देखो अपने बहनोई के फोटो। काफी सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये वनस्पति विज्ञान के अध्यापक का काम नहीं, ये काम तो हमारी सुलेखा का लगता है। कब आ रही है सुलेखा? 6-7 दिन के बाद, मगर परिमल उससे भी 2-4 दिन लेट आ रहा है, पटना जा रहा है, कुछ लेक्चर वेक्चर है वहाँ। सही तारीख भैया टेलीफोन करके बता देंगे। बिटिया स्कूल जा रही है, बस आई क्या? बुखार तो नहीं है देखो? हाँ नहीं है, नहीं है। आ जाओ जाओ जाओ। सुनो, अब मैं रत्ना को स्कूल बस से भेजना नहीं चाहती। परसों तो अखबार में आया था कि पूरी की पूरी बस उलट गई। अरे जेम तो और भी खराब गाड़ी चलाता है, और खराब को तो छोड़ो, बच्चे को उसके साथ भेजने से बच्चे की भाषा का भविष्य सत्यानाश हो जाएगा। वो तो आएगा जाएगा पिएगा खाएगा ऐसा बोलता है। तो देखो ना कोई अच्छा सा ड्राइवर, हमें तो 2 ड्राइवर चाहिए ही। अरे 85 को लिख चुका हूँ, हरिभद्र भैया तो आजकल भी ड्राइवर भेजने वाले हैं। यस यस, इलाहाबाद से टेलीफोन है। अरे हरिभद्र भैया, अरे आपकी बहुत लंबी उम्र है, अभी अभी आप ही की बात कर रहे थे। ड्राइवर का क्या हुआ? वो तो निकल चुका, मैं कल खुद उसे गाड़ी पर बिठा के आया हूँ, शायद गाड़ी लेट होगी। और सुनो राघव, वो जरा पागल है। हैं? पागल है? वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था, कैसे सुनकर मैंने उसे राजी किया है। मगर भैया वो पागल वाली बात समझ में नहीं आई। डरो मत बरखुरदार, तुम जैसा चाहते थे वैसा ही मिला है, उर्दू हिंदी में महापंडित। और तुम तो जानती हो ऐसे महापंडित थोड़े पागल होती हैं, जैसे तुम हो। अंदर भेजो, अंदर भेजो। अरे भैया वो आ गया। देखो भाई राघव, बाहर से वो कैसा भी लगे लेकिन अंदर से आदमी सोना है सोना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ बाकी का सब प्रोग्राम वैसी है, सबको मेरा प्यार देना। हाँ अच्छा, ओके। अच्छा भैया अच्छा। भैया ने सबको प्यार कहा है, सुलेखा वगैरह का प्रोग्राम बिल्कुल पक्का है। अच्छा। अरे तू कहाँ जा रही है, तुम्हारे मैके से आया, उससे मिल तो लो। बैठो बैठो। हम भीतर आ सकते हैं सारे? आओ आओ। प्रणाम साहब। ओह जीते रहो जीते रहो। ये है मेरी, मैं जानता हूँ साहब। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठा सुपुत्री रूपा जी। सुपुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। क्षमा कीजिएगा। हाँ याद आया, हरिपद भैया बोलते थे आपकी सुपुत्री तो शिमला में पढ़ती है ना? क्षमा कीजिएगा। प्रणाम। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था आपने? जी श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहब। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथ गामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथ गामी अग्निरथ से आए हैं ना? ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है कही। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता।
अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहेब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहेब। सीयूटी कट है तो पीयूटी पुट, टीओ टू डीओ डू किंतु जीओ गो हो जाता है। आप ही बताइए मेम साहब, जब टीओ टू डीओ डू तो जीओ गो क्यों नहीं होता साहेब? हम का आ का आ काका बोलते हैं, ता आ दा आ दादा बोलते हैं, बा आ बीबी थोड़ी बोलते हैं। अरे यही तरीका है अंग्रेजी भाषा का। क्या तरीका है साहेब? अशिक्षित हूं ना, इसीलिए आप ऐसे समझा रहे। ठीक है, अब आपके चरणों में आ गया हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। साहब आज ही मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक खरीद कर लाता हूँ। एक विद्वान महापंडित के पास आकर यदि मैंने कुछ ना सीखा तो इतनी दूर आने से क्या लाभ? क्यों मैम साहब? हाँ ठीक है ठीक है। सुनो, हमारी दो गाड़ियाँ हैं। जी हाँ, एक फिएट और एक मर्सिडीज। तुम्हें कैसे मालूम? हम आते समय देख कर आए हैं साहब। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मस्जिद सन 59 की निर्मित है और फिएट 73 की। निर्मित माने मॉडल? मैं जानता हूँ। देखो, हमारा ड्राइवर का नाम है जेम्स, उससे चाबी लेकर गाड़ी बाहर निकालो। कौन सी गाड़ी साहेब? फिएट। साहब को दफ्तर छोड़ते मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी प्यारे मोहन। जी बहुत अच्छा, लेकिन आप मुझे इतने लंबे नाम से क्यों पुकारते हैं? आप मुझे सिर्फ प्यारे कहकर पुकारिए। प्यारे? हरिपत भैया भी इसी नाम से पुकारते हैं। ठीक है ठीक है, जाओ जो आज्ञा। शक्ल शुरू से ड्राइवर नहीं, किसी फिल्म का हीरो लगता है। लेकिन बकवास बहुत करता है। अरे बक भैया ने भी यही कहा था, मगर साथ में ये भी कहा था कि आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन सुमी, मुझे तो डर लग रहा है। अरे मुझे धमकी दे गया है कि पुस्तक खरीद कर मुझसे आकर पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, ये टीओ टू डीओ डू जीओ गो क्यों नहीं, इसका मतलब मैं क्या करूँ? कुछ भी कहिए, लेकिन हिंदी बहुत शुद्ध बोलता है। निसंदेह निसंदेह। आओ चलकर देखे। महाशय नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका शुभ नाम? वो क्या है? योर नेम प्लीज। माय नेम इज जेम्स डिकॉस्टा। और हमें प्यारे मोहन इलाहाबादी कहते हैं, नए वाहन चालक। क्या है? नए ड्राइवर हैं ड्राइवर। जरा गाड़ी की चाबी दीजिए। ये गाड़ी नहीं चलेगा। क्यों भाई? इसकी डिफरेंशियल में लफड़ा है। डिक्की तो ठीक है ना? हाँ। तो हम डिक्की से गाड़ी चलाएंगे। लाइए चाबी। कौन है पीछे से? आज्ञा हो तो परीक्षण निरीक्षण कर लूं? हाँ हाँ करो करो। बाप रे, एक लफड़ा कहता है दूसरा परीक्षण निरीक्षण, लगता ही नहीं कि एक ही गाड़ी की बात हो रही है। तुम्हारी तो भाषा ही नष्ट हो गई है बंबई में रहकर। नष्ट नहीं साहेब, भ्रष्ट कहिए, भाषा भ्रष्ट हो गई। अब कोई कष्ट नहीं साहेब, तेल छन्नी अर्थात जिसे आप ऑयल फिल्टर कहते हैं उसका पेच ढीला हो गया था, कस दिया है, ध्वनि बंद। 100 रुपया बच गया। अगर गाड़ी एक दिन के लिए भी गैरेज जाती तो कम से कम 100 रुपए का बिल आता है, वो बच गया। हाँ देखो, जब तुम शॉपिंग के लिए जाओगी तो श्रीवास्तव के घर होती आना। कौन श्रीवास्तव? अरे वो अपना प्रशांत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला, वो दो पार्सल है ना अंदर, एक पार्सल उसके घर छोड़ाना। साहेब हम जरा हस्त प्रक्षालन करके आते हैं। जाओ जाओ जाओ, हाथ धो कर आता है। जानती हूँ तुम्हारे साथ इतने साल रहे कि ये भी नहीं सीखूंगी। चलो कपड़े बदल लो। अरे जेम्स, तुम तो कहते थे गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन उसने तो ठीक कर दिया। बड़ा काबिल आदमी लगता है। अभी लगेगा, एक एक्सीडेंट होएगा फिर पता चलेगा। हम प्रशांत साहब से मिलना चाहते हैं, बैरिस्टर साहब ने भेजा है। तो राष्ट्र सर, ड्राइवर हैज कम टू सी यू। जाओ वो कमरा है। धन्यवाद देवी। Thank you.
हम भीतर आ सकता है साहब? सलाम साहब। कैसे राघव भैया? अच्छे साहब, दया आप। तुम नए आए हो? हाँ साहब। एक मिनट। ये क्या, ये चाय तुम? साहब ठंडी हो रही थी, हमने पी ली। रख दे चाय। लीजिए साहब, आप ही है। मैंने झूठी कर दी। बदतमीज तेरी, ये मजाक। गेट आउट, गेट आउट। मैं अभी फोन करता हूँ बैरिस्टर साहब। नहीं साहब, तुम लोग नहीं साहब, हमारी टोपी आपके चरणों में। हमारी शिकायत मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। अबे साले तू, अबे साले मैं, ये सूट बूट पहनकर हमारी तरफ देखते भी नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार, मगर ये क्या है सब? आएगा तुम्हें? अरे कर, वॉल्यूम कम। ये लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। आज बाल बाल बच गए। जेम बहुत बड़ा एक्सीडेंट करने वाला था। हाय राम, उसे आहिस्ता चलाने के लिए क्यों नहीं कहते? देखिए, वो अपना प्यारे है ना, बहुत अच्छा ड्राइवर है। ब्रेक पर पैर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसे, कैसे उसे ही ले जाइएगा। गया कहाँ है वो? थोड़ी देर की छुट्टी ली है, कह रहा था अंग्रेजी की किताब लानी है। मर गए, वो तुम्हारे मैके से आया, तुम्हें सिखाओ उसे। पंडित मुझे नहीं, आपको समझता है प्यारे। ए तुम्ही, उसे प्यारे प्यारे कहकर मत पुकारा कर, लगता है मेरा पत्ता कट गया। कौन? हम फिर आ सकते हैं साहब? आओ आओ। हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए साहब। अरे क्या हुआ? ये देखिए, 4 रुपया खर्च करके अंग्रेजी की पुस्तक लाए थे, सोचा था आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें। परंतु ये भाषा तो बहुत ही छल करती है साहब। NO नो, ये NOW भी नो। ताया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल, ये उचित तो नहीं है साहब। आगे देखिए, तू के लिए भी यू, तुम के लिए भी यू, आप के लिए भी यू, छोटे बड़े में कोई अंतर ही नहीं। अंग्रेजी में ऐसा क्यों होता है? प्यारे मोहन जी साहब, मैं दफ्तर से अभी अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ और सर में दर्द भी हो रहा है, मैं जरा विश्राम कर लूँ। हाँ साहब, अवश्य विश्राम कीजिए। साहब एक तुच्छ प्रश्न है। क्या? ये अंग्रेजी में निमोनिया पी से, मेरा मतलब पा से शुरू होता है। ऐसे ही थाइसिस भी पी से आरंभ होता है, तो फिर इसे पनीमोनिया और पथाइसिस क्यों नहीं कहते? आप विश्राम कीजिए साहब, बाद में व्याख्या कर दीजिए। बाद में बेवकूफी है भाई, निमोनिया और थाइसिस पीछे क्यों शुरू होते हैं, मुझे क्या मालूम, मैं अंग्रेजी भाषा को जम जाता हूँ क्या? देखो जी, मुझे वही चलेगा ड्राइवर, क्या नाम है उसका, हाँ जेम भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये तो मुझे पागल कर देगा। जेम एक्सीडेंट करता है तो करने दो। हाँ साहेब, क्या है? कल आप क्लांत थे, इसी कारण आपको कष्ट नहीं दिया। आज तो व्याख्या कर दीजिए। किसकी व्याख्या? यही के NO नो, के NOW भी नो, ये के NOW क्रो क्यों नहीं होता साहेब? देखो प्यारे मोहन, बात ये है, बच गए। हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। अरे जल्दी लाओ। ओ, आज 11:20 की गाड़ी से सुलेखा आ रही है। सुलेखा जी आ रही है? तब तो बहुत मजा आएगा। ए, इसमें मजे की क्या बात है साहेब? सुलेखा जी हमें बहुत अच्छी लगती है और सुलेखा जी को हम बहुत अच्छे लगते हैं। तुम उसे कैसे जानते हो? लीजिए, वो हरिपद भैया के वाहन चालक है ना, कार्तिक मामा, उनके हम भांजे होते हैं। और फिर सुलेखा जी के विवाह में मंगनी से लेकर सुहागरात तक सब कुछ हम ही तो कर रहे थे, वहां हमारे बिना बिल्कुल नहीं चलता साहेब। परंतु एक बात अवश्य कहूंगा साहेब, ये विवाह कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या मतलब साहेब? हमें ये जोड़ी कुछ जमी नहीं। ये दूल्हा है ना आपका, ये नया दूल्हा आपके दाएं पैर की बाई उंगली के नाखून के समान भी नहीं।
हम तो साफ कहेंगे साहब, बंदर के गले में मोतियों का हार डाल दिया आपको। ए क्या कहते हो डॉक्टर परिमल त्रिपाठी? हाँ सुना है कुछ घास फूस का डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, देखने में कैसा है? आज पधार रहे हैं साहब, स्वयं देख लीजिएगा। अरे आज तो वो आज नहीं रहा, कुछ दिनों के बाद आ रहा है। तो आज नहीं कुछ दिनों के बाद देख लीजिए। परंतु साहब एक बात मैं अवश्य कहूंगा, आप जैसा दुल्हा इस संसार में मिलना असंभव है। इतना महान इतना स्पर्श, आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं मेरे पास। ठीक है प्यारे मोहन, मगर सुलेखा के सामने ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालना। कदापि नहीं साहब, कदापि नहीं। आपके संबंध ही हमारे संबंध। ठीक है गाड़ी जल्दी तैयार करो। मेरा मतलब सुलेखा जी आ रही है। विश्वास नहीं हो रहा साहब, विश्वास नहीं हो रहा। लेने नहीं आए, इस बात के लिए मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगी। हाँ नमस्ते सुलेखा जी। अजी मैंने कहा नमस्कार सुलेखा जी। अरे प्यारे मोहन जी आप कब आए यहाँ? हाँ बस यही दो चार रोज हुए, बड़े भैया ने यहाँ भिजवा दिया था। अच्छा जीजा जी के पास? हूँ। कैसे लगे जीजा जी? ठीक है, जैसा सुना था वैसे तो नहीं। मतलब बड़े भैया कहते थे बहुत ही कठिन मनुष्य, जरा सी भूली पकड़े गए। परंतु हमें तो नहीं लगता कि हम पकड़े जाएंगे, हमें तो बेचारे बहुत ही साधारण और सरल व्यक्ति लगे। अच्छा और बॉम्बे कैसी लगी? बॉम्बई सुलेखा जी अच्छी नहीं लगी, अब आप लोगों को छोड़ के यहाँ कैसे अच्छा लगता। आप आ गई हैं अब अच्छा लगेगा। अच्छा वो नहीं है आपके वो घास फूस के डॉक्टर? अच्छा अच्छा चलो अभी, तुम बहुत बड़बड़ करते हो प्यारे मोहन। क्षमा करना मेम साहब, जब मन अति प्रसन्न होता है ना तो बड़बड़ करने को दिल करता है। क्यों सुलेखा जी? हाँ वो तो है। हाँ वो तो है, आइए वो तो है। आओ सामान लाओ। शादी के बाद तो तुम्हारी शक्ल ही बदल गई। जीती रहो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? अब स्टेशन क्यों नहीं है? अंदर आओ बताता हूँ। सुलेखा जी हमारी पत्नी कैसे हैं? अच्छी है प्यारे मोहन जी। हमें स्मरण करती हैं? मरण? मरण नहीं, स्मरण। आप हिंदुस्तानी में इसका अर्थ है याद। हमें याद करते हैं? वो आपको बहुत याद करती है। हम भी बहुत बहुत याद करते हैं। ए प्यारे मोहन, ये अचानक तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई? इलाहाबाद से साहेब। मैं शहर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आई कहाँ से? तुम तो कहते थे तुम अकेले हो। क्या करते साहेब, हम यहाँ बंबई में, वो वहाँ इलाहाबाद में। यही सोचकर मन को शांत कर लेते थे कि हम विवाहित है ही नहीं। परंतु आज सुलेखा जी आई है तो अचानक मन में विवाहित होने की भावना जागृत हो उठी। कोई हमारे देश से आया है, हमारी पत्नी के देश से आया है। चलो चलो साहेब, वो थाइसिस का क्या हुआ? थाइसिस? किसका थाइसिस? मुझे केवल थाइसिस ही नहीं, साथ में निमोनिया भी है। ओ प्यारे मोहन, अभी अभी आई है, इस समय ऐसे अशुभ शब्द बोलना ठीक है क्या? यथार्थ साहेब, ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ शब्दों का उच्चारण निश्चय अनुचित है। क्षमा चाहता हूं। लेखा, परिमल आदमी कैसा है? बोलना। अच्छे हैं। अच्छे का मतलब? अच्छे हैं का मतलब अच्छे हैं दीदी। ए, तू मुझसे छुपा मत, क्या तुझे वो? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी अच्छे हैं लेकिन लेकिन बहुत सीरियस, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं पसंद करते। क्या बात है जी साहब? जाते समय आदेश दे गए थे
ठीक 3:30 बजे गाड़ी लेकर उच्च न्यायालय के निकट बर्वे मार्ग पर पहुंचने के लिए वह हमारी प्रतीक्षा करेंगे। ओ माँ, ये कौन सी जगह चले गए? उच्च माने हाई, न्यायालय माने कोर्ट और मार्ग माने रोड, यानी जीजाजी हाई कोर्ट के पास किसी रोड पर इंतजार करेंगे। क्यों प्यारे मोहन जी? यस सर। तो जाओ ना। क्या हुआ? मैम साहब, मैं निर्धन अवश्य हूँ, परंतु मेरी भी एक साली है। तो यदि साली जीजा को लेने जाए तो जीजा बहुत प्रसन्न हो। हाँ हाँ दीदी, प्यारे मोहन ने बिल्कुल ठीक कहा है, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे चप्पल पहन के जा, मैं गाड़ी में से थोड़ी उतरूंगी। अभी नहीं, तो देखा है। देख लिया आपने जीजा जी को? बड़ा होशियार समझती थी। अच्छा बाबा, मान गए। अच्छा सुनो, जीजा जी बाहर ही खड़े होंगे, हम उनके सामने से सीधा निकल जाएंगे, लेकिन देखना नहीं। ये सब क्यों? तुम अंदर बैठो तो सही, जरा चिपक के। चिपक चिपक के। कितना हुआ? 4.50। ये 5 लीजिए। ये क्या, टैक्सी से क्यों? और क्या करता? सुलेखा जो लेने गई थी आपको? मुझे लेने गई थी या घूमने गई थी प्यारे मोहन के साथ? मैं समझी नहीं, गाड़ी मिली नहीं है आपको? गाड़ी मिली थी और गाड़ी में प्यारे मोहन और सुलेखा भी बैठे हुए मिले थे। क्या प्यार से एक दूसरे के पहलू में सटकर बैठे हुए थे। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? सुलेखा तो पीछे बैठी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, कोई उधार की आंखों से नहीं। सॉरी दीदी, पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तब तक जीजा जी। क्या हुआ दीदी? क्या बात है दीदी? तू क्या सामने बैठी थी पैरे के साथ? हाँ, तुम्हें किसने कहा? किसी ने भी। तो क्या बैठे थे पैरे के साथ? क्या करती दीदी, बार बार यूं मुड़ कर बात कर रहा था। मेरी बीवी कैसी है, मुझे याद करती है नहीं? मैंने सोचा कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे, इसीलिए मैं सामने जाकर बैठी। तो अभी पीछे कैसे आ गई थी? प्यारे ने ही कहा, सुलेखा जी घर निकट आ गया है, अब आपका पीछे ही बैठना अच्छा होगा। देख सुलेखा, ये प्यारे मोहन आदमी अच्छा नहीं है, तेरे जीजा जी उसे देखते ही चिढ़ जाते हैं। असंभव असंभव, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जामा इतने दिन तक चलेगा। लेकिन कुमार को सारा प्लान समझा दिया ना आपने? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कुमार को समझा भी दूंगा और मना भी लूंगा। भैया बस एक ही बात बुरी लग रही है, किसी भी भाषा का मजाक उड़ाना घटियापन है, और मैं वही कर रहा हूँ, और वो भी अपनी मातृभाषा का। अरे बरखुरदार, तुम भाषा का मजाक नहीं कर रहे हो, एक आदमी का मजाक कर रहे हो। भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसका मजाक किया ही नहीं जा सकता। भैया मैं चलता हूँ, देर होगी तो वो लोग शक करेंगे। नमस्ते। गुड बाय। एक ड्राइवर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतनी रात गए तुमने हमारे कमरे में क्यों प्रवेश किया? क्षमा कीजिए सुलेखा जी, जेम्स बॉन्ड के खर्राटे हमसे सहन नहीं होते, इसलिए हमने
विचार किया कि आज की रात आपके साथ गुजारेंगे। अपनी औकात मत भूलो प्यारे मोहन। मजाक छोड़ो सुरेखा, इतने दिन तुमसे दूर रहकर मेरी क्या हालत होगी तुम्हें क्या मालूम। सुनो, आज से मैं तुम्हें प्यारे मोहन के लिए पुकारूंगी। क्यों जी? परिमल से प्यारे मोहन ही अच्छे लगते हैं। हो ना आजकल की लड़की एक प्रोफेसर छोड़ ड्राइवर पसंद आ गया। क्यों, ड्राइवर इंसान नहीं होते? हाँ इंसान होते हैं, मगर एक ड्राइवर को 7 दिन के बाद उसकी बीवी मिले तो इस तरह खड़े खड़े बातें नहीं करते। तो क्या करते हैं? आइए आइए दीदी आइए। नमस्ते। नमस्ते लता, ये मेरी छोटी बहन है सुलेखा। नमस्ते। आई, अभी अभी इसकी शादी हुई है। इसके पति फेमस प्रोफेसर हैं, डॉक्टर परिमल त्रिपाठी। अरे वो तो इनके जिगरी दोस्त हैं, एकाएक शादी तय हो गई थी इसलिए हम जा नहीं पाए। वसुधा, तुम उन्हें जानती हो? नहीं मैं तो नहीं मिली। हाँ दीदी, ये मेरी छोटी बहन है वसुधा, और ये दीदी की बहन है सुलेखा त्रिपाठी, डॉक्टर परिमल त्रिपाठी की पत्नी। डॉक्टर त्रिपाठी, उन्हीं की किताब पढ़ते हैं हम। सुलेखा तू वसुधा से बातें कर, तब तक हम मिसेस बच्चे से मिलाते हैं। चलो लता। हाँ दीदी, वार विडोज एसोसिएशन में भी तो जाना है मिसेस लाल से मिलने। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गई, फिर गाड़ी ले जाएंगे तो इन्हें बड़ी मुश्किल होगी। तो एक काम कीजिए, गाड़ी यहीं रहने दीजिए, मैं वापसी में आपको छोड़ के आऊंगी। अच्छा सुलेखा, तो वसुधा से बातें करके घर चली आना। अच्छा। सुलेखा दीदी आइए। डॉक्टर त्रिपाठी कब आएंगे? कुछ ही दिनों में। मैं उनसे बॉटनी पढ़ूंगी, पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर पढ़ाएंगे। लवली वसुधा मैं भी चलती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जरा मौका मिला है जरा घूमा, एक दिन जरूर आऊंगी। हाँ तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अरे ड्राइवर जी। मैम साहब, जरा आर्य मिल कॉलोनी चलना। कहाँ है वो मैम साहब? अरे तुम स्टार्ट तो करो, बताती हूँ। जी अभी करता हूँ। रोकी नहीं, रुक गई है, रुक गई है। क्यों, गाड़ी गर्म हो गई? नहीं ठंडी हो गई है, जरा धूप में गर्म हो जाए ना तब तक हम लोग ठंडे हो ले। अच्छा। हवा खा लेते हैं। अरे रत्ना बिटिया, आप क्या खाएंगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम? रत्ना बिटिया आइसक्रीम खाएंगी, हम आपके लिए आइसक्रीम लेके आते हैं। आओ आओ मैम सब, आइए आइए। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं बेटा, अगर गाड़ी चोरी हो गई तो? हाँ गाड़ी चोरी हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप हमारी गाड़ी का ख्याल रखिए, हम आपकी आंटी का ख्याल रखेंगे, और आपकी आंटी आपकी आइसक्रीम का ख्याल रखेंगी। क्यों आंटी, है ना? आओ आंटी आओ। खिलते हैं हो खिलते हैं।
अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो हो मत छेड़ो ऐसा तब होता है, जब तेरे शादी होके भी अकेली आई और फिर उसके आने की खबर सुनकर प्यारे मोहन का जरूर से ज्यादा खुश होना, गाड़ी में दोनों का सट कर बैठना और फिर आज दोनों का हाथ में हाथ लेकर गाना गाना, मैं सच कहता हूँ सुनी ए, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझे पहले दिन ही कुछ अजीब सा लगा जब मैंने परिमल के बारे में उससे पूछा तो वो टाल गई। हाँ, जब मैंने भी उसे पूछा था तो ठीक से जवाब नहीं दिया था उसने। और फिर प्यारे मोहन ने कहा नहीं था कि बंदर के गले में मोतियों का हार, शायद परिमल देखने में ठीक नहीं है, ड्राई सा आदमी है। बात यह है सुम्मी कि हमारा तुम्हारा जमाना तो अब रहा नहीं, आजकल की लड़कियां गुण पे नहीं रूप पे मरती। कैसी बातें करते हो, इसका मतलब सुलेखा एक ड्राइवर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का शादी से पहले ही कुछ है। सुम्मी मैं जानता हूँ सुनकर अच्छा नहीं लगता, मगर मैं तो आदमी को सुनकर पहचान सकता हूँ। सुनकर नहीं, खाकर देखिए केक कैसे बना है, मैंने अपने हाथों से बनाया। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। दीदी एक चीज प्यारे मोहन को दिया? किसे? प्यारे मोहन को, उसे केक बहुत पसंद है, कल ही कह रहा था यहाँ बाजार में अच्छे केक बिल्कुल नहीं मिले। तो ये केक खास तौर पर उसके लिए बनाया गया है? खासतौर पर क्यों, आपको पसंद नहीं? नहीं, प्यारे को देने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ। रत्ना कह रही थी तू प्यारे के साथ गाना गा रही थी। हाँ, तो क्या हुआ? दीदी प्यारे बहुत अच्छा गाना गाता है, एक दिन जरूर सुनना। मुझे कुछ नहीं सुनना। छी छी, एक ड्राइवर के साथ कैसी बातें कर रही हो दीदी? ड्राइवर क्या इंसान नहीं होता? होता है, मगर तुम्हारे पति देव को ये सब? मेरे पति को आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। और इसके अलावा अगर मैंने प्यारे के साथ गाना गाया तो दुनिया में किसी को हक नहीं है एतराज करने का। अच्छा अच्छा, तू बैठ, बाद में दे दूंगी उसे। तो तुम गाना दे आओ। नहीं बाबा, थाइसिस निमोनिया में फंस जाऊंगी। वो तुमसे भी सवाल पूछता है क्या? और क्या, परिमल को आने दो, उसे भिड़ा दूंगी। जीजा जी, इलाहाबाद में ऐसा नहीं था प्यारे मोहन, इतना नहीं बोलता था, ये तो यहीं आकर हवा लग गए हैं। तो इलाहाबाद का केचवा बम्बई में आकर अपने आप को सांप सोने लग गया है। कोई बात नहीं, आने दो परिमल को, अगर इसकी कीचली उतार के इसको फिर से केचवा ना बना दिया तो मेरा नाम भी। कौन? हम हैं साहेब। अंदर आओ जी। नीचे श्रीमती और श्री श्रीवास्तव पी के आए। वो गोरे से गाते थे? जी हाँ। हाय राम, उन्होंने कब से पीनी शुरू कर दी? तुम्हें किसने कहा कि वो पी के आए? सोए नहीं बोले थे। क्या बोले थे कि मैं पीके आया हूँ? जी हाँ, हमसे बोले कि साहब से बोलो कि पीके श्रीवास्तव आए। पीके समझी, प्रशांत कुमार। अब प्रश्न यह है कि आप लोग निम्नावतरण करेंगे या वो लोग ऊर्ध्वागमन करें? भगवान के लिए बिना विलंब आप और उनको। जो आ गया है। बाप रे, पता नहीं इतनी शुद्ध भाषा कैसे बर्दाश्त करते हैं आप। तुम्हारे मैं कैसे तशरीफ लाया हूँ? आप तो शुद्ध भाषा के लिए जिद करते थे जीजाजी। अरे बाबा, मैं शुद्ध भाषा के लिए जिद करता था, पागल आदमी के लिए तो नहीं। नमस्कार। अरे आओ प्रशांत, माफ करना, तुम्हें बहुत देर नीचे बैठना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं भैया, आप परिमल की पत्नी सुलेखा जी हैं? नमस्कार, मैं प्रशांत हूँ, परिमल का दोस्त। इनसे तो आप मिल चुकी हैं? हाँ।
अरे प्रशांत आओ बैठो बैठो, केक खाओ, सुलेखा ने अपने हाथ से बनाया। अच्छा केक तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन सुलेखा जी गाना भी सुनूंगा। परिमल ने मुझे सब कुछ बता दिया, आप बहुत अच्छा गाती है। नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी। शुरू करो शुरू करो। आपके सजन सावन में गाती है। मुझे नहीं मालूम था इतना अच्छा गाती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दो दिलों के बीच साहेब। प्यारे मोहन वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? खड़ा खड़ा कुछ नहीं कर रहा हूँ साहब, बस आके आके खड़ा हुआ हूँ। अंदर आओ। अरे इधर आ। ये आके आके क्या होता है? दो बार आके आके का क्या मतलब साहब? जब आपने खड़े खड़े का दो बार प्रयोग किया तो अभी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने उसी छंद में
आके आके बोलकर कविता का रस ले लिया। इसका मतलब यह है कि आइंदा आप छंद में बात किया करेंगे हमसे। यदि आप अनुमति दे तो साहब। हरगिज नहीं। ये प्यारे मोहन तुम पागल हो पागल। नहीं साहब अब तो मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। अब तो नहीं का क्या मतलब, पहले पागल थे क्या? लोग ऐसे मजाक में कहते थे लेकिन मैंने कभी नहीं माना कि मैं पागल। अरे कितने दिन पहले कहते थे? अरे बोल बोल। लज्जा आती है साहब। अरे नखरा छोड़ बोल। विवाह से पहले, लेकिन विवाह के उपरांत सब यही कहने लगे हैं कि पागलपन के कोई लक्षण मुझ में नहीं है। गलत कहते हैं सब, तुम में पागलपन के सारे लक्षण हैं। कैसे लक्षण? पहला लक्षण ये कि तुम बक 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 करते हो। हाँ साहब ये दोष तो मुझ में है। तो साहब चंद्रमा में भी तो कलंक है, अन्य कोई लक्षण साहब? दूसरा लक्षण ये है कि तुम अति शुद्ध भाषा में बात करते हो। अब वो तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कहता हूँ साहब। नॉनसेंस, ऐसे पागलपन से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा ऐसा सोचना ही पागलपन है, समझे? आपकी बात सुनकर मैंने मुसीबत मोल ली। आप ही ने दोपहर को कहा था कि साहब हमारी हिंदी ज्ञान से बहुत प्रसन्न है। उमा, मैंने कब कहा था? मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ। मैं आपसे नहीं कह रहा श्रीवास्तव ने साहब, मैं तो सुलेखा जी से कह रहा हूँ। तो मेरी तरफ देखकर क्यों कह रहे हो? मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं तो श्रीवास्तव मेरे साहब की तरफ देख रहा हूँ। अब समझा ये लोग क्यों परेशान है श्रीवास्तव साहब। बात दरअसल ये है कि हम थोड़े टपंखे हैं, ठहेंगे मैं नजर आ रहा हूँ? नहीं साहब आपका कान नजर आ रहा है। अब हाँ 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 साहब आप नजर आ गए। अबे और टपंके, कल तक तो तू सीधा देख रहा था, आज ढेंगा कैसे हो गया? नहीं साहब मैंने कभी आपकी तरफ सीधे नहीं देखा, आप हमारे अन्नदाता हैं, मैं आपकी ओर सीधा कैसे देख सकता हूँ? जब भी आपको लगा मैं आपकी ओर देख रहा हूँ उस वक्त मैं कहीं और देख रहा होता था, कहीं और। प्यारे मोहन लुक हियर। अरे तुम भेंगे हो या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मगर आप भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो। आज कह रहे हो कि मैं भेंगा हूँ, कल कहोगे कि मैं लंगड़ा हूँ, परसों कहोगे कि मैं हकला हूँ। साहब आज तक तो मैं ठीक बोलता आया हूँ, अचानक हकला कैसे हो सकता हूँ? अरे अचानक भेंगे हो सकते तो हकले नहीं हो सकते? देखिए साहब हर बात की हद होती है। अरे तुम्हारी तो किसी बात की हद नहीं। मैं गरीब हूँ ना, इसीलिए आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कीजिए जी भर के अपमान कीजिए, लेकिन हरिपद भैया मुझे हमेशा सगे संबंधियों की तरह समझते थे। क्यों सुलेखा जी, आपने तो अपनी आंखों से देखा है कितना प्यार करते थे मुझे। अगर मुझे मालूम होता वो सम्मान वो प्यार यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। भाई साहब कॉमेडियन कहाँ से पकड़ के ले आया यार? अरे तुम्हारी भाभी के भैया ने भेजा है सिफारिश करके, इसलिए ना तो इसको निकाल सकता हूँ और ना रख सकता हूँ। अरे मुसीबत है, अब तुम लोग ही बताओ कि इस पागल का क्या करूँ। चोर तो कैसे चला दूंगा? चला मत, मारेगा मुझे भी, तब भाग जा, मेरे भाग जा,
पी का मतलब? तुम्हारा नाम पुमित्रा नहीं, तुम्हारी बहन का नाम पुलेखा नहीं, मेरा नाम पागेंद्र नहीं, रत्ना का नाम पद्मा नहीं। पी से इस घर में अगर किसी का नाम शुरू होता है तो उसका नाम है प्यारे मोहन। अब मतलब समझ आया? नहीं, रुमाल प्यारे का हुआ तो क्या हुआ? जानती हो ये रुमाल कहाँ से मिला? कहाँ से? आपकी बहन के कमरे के सामने। वो वहाँ कैसे आया? रुमाल को आते तो मैंने नहीं देखा, मगर प्यारे मोहन को वहाँ से चुपके चुपके जाते जरूर देखा। हाय राम। सिर्फ राम नहीं, राम नाम सत्य कहो। अब क्या करें, बात बाहर गई तो किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं है, और परिमल के आने का दिन भी नजदीक आ रहा है। आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। हमें आपने बुलाया है साहेब? आओ। अरे ये कैसे है? आपको कहां से मिल गई? सवाल मत पूछो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। आपका क्या सवाल है? अरे तुम देखो, ये रुमाल तुम्हारा है ये तो तुमने स्वीकार कर लिया, मगर ये बताओ कि ये रुमाल ऊपर के बरामदे में कैसे पहुंचा? ये आपको बरामदे से मिला, इस कंबख्त को वही गिरना था। तुम बरामदे में क्या लेने गए थे? हम बरामदे में गए नहीं थे, हम बरामदे से होकर गए थे। मगर कहाँ गए थे? वहीं, जिस जगह के सामने से आपको ये चुगलखोर रुमाल मिला। तो तुम सुलेखा के कमरे में गए थे? वहां क्या करने गए थे? ये मत पूछिए, ये मैं नहीं बता सकूंगा। अरे कैसे नहीं बताएगा, तुम्हारा बाप भी बताएगा। मैं भी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। ऐसा मत कीजिए साहेब, आपकी बहुत बदनामी होगी। बात थाने में पहुंच जाए तो गुप्त नहीं रह सकती। तो फिर बताओ वहां क्या करने गए थे? ठीक है, जब इतना बता दिया तो आगे भी सुन लीजिए। शादी करने के बाद मैं इस तरह अकेले रातें नहीं गुजार सकता। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद आती है। जरा आप ही सोचिए, आपकी नई नई शादी हुई हो और आपके पहलू में मेम साहब की बजाय जेम्स खर्रा के भर रहा हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? और जब सहनशीलता हद से बढ़ गई तो मैं उठा और उठकर सुलेखा जी के पास चला गया, ये जानने के लिए कि मैं हरिपद भैया के आने तक ठहरूं या नौकरी छोड़कर चला जाऊं। ये पूछने के लिए तुझे रात को 12 बजे के वक्त मिला था? 12 नहीं साहब, 12:15 बजे थे। 11:30 बजे जेम्स ने खर्राटे भरने शुरू किए। 15 मिनट तक मैं सहन करता रहा, उसके बाद सहन नहीं हुआ। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें 5 रुपया दंड दिया जाता है। ठीक है साहब, आप मालिक हैं, ये लीजिए और रसीद दे दीजिए। इसे पास रखो, तुम्हारे वेतन में से काट लिया जाएगा। नहीं साहब, वेतन तो हम पूरा लेंगे, दंड चाहे 10 बार कर लीजिए। अरे बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, मैं मनी ऑर्डर करवा दूंगा। अरे जा! क्या हुआ दीदी, नीचे जीजाजी परेशान है और यहाँ तुम? क्या कल रात प्यारे मेरे कमरे में आया था? तुझे शर्म नहीं आती है कहते हुए? क्यों आया था तेरे कमरे में वो? नीचे जीजाजी प्यारे से यही पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना। मैं तुझसे पूछ रही हूँ। मैं नहीं बताऊँ। क्यों? सुमी, ये क्या हो रहा है? जीजाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। प्यारे मोहन ने जो रात की घटना आपको बताई है वो जरा दीदी को सुना दीजिए। दीदी बहुत बेचैन हो रही सुनने के लिए। सुलेखा, अगर प्यारे मोहन ने बेवक्त आकर तुम्हें परेशान किया था तो रात को ना सही, कम से कम सुबह आकर तो हमें बताना चाहिए था। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो प्यारे मोहन को बुलाकर पूछने से पहले क्या एक बार आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था? तुमसे इसलिए नहीं पूछा कि मैं क्योंकि ये बात तुमसे पूछना अच्छा नहीं समझा। और मैंने इसलिए नहीं बताया, इस मामूली सी बात को बताना इतना जरूरी नहीं समझा। मामूली सी बात? रात के वक्त एक नौकर चोरी से तेरे कमरे में जाओ, तुझे मामूली बात कहती है? वो चोरी से आया था लेकिन चोरी करने नहीं आया था। ये उसकी बेवकूफी हो सकती है लेकिन बदमाशी नहीं। आप लोग तो खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं। राई का पहाड़? देख सुलेखा, ये सब अच्छा नहीं लगता। कल परिमल ने तुझे इस तरह ग्राहक के साथ देखा है दीदी, वहाँ तो उनके सामने गाती भी थी मैं। परिमल यहाँ आ जाए उसके सामने जो जी चाहे करना, उसके यहाँ आने तक ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझे? ओह जेनरेशन गैप।
पड़ा हुआ सुलेखा को। दीदी तुम्हारे इस चिट्ठी पढ़ने से मैं तुमसे बहुत दूर जाती हूँ। मेरे जाने की वजह कोई खास सिर्फ यही कि मन उठ गया था। कुछ दिन कहीं और जाए कि लौट आऊंगी तुम्हारी सुलेखा। प्यारी बहू के लिए इतना झमेला ना होता तो अच्छा होता। जी 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 ये क्या किया इसने? करो ना जल्दी कुछ करो, पता नहीं कहाँ गई होगी वो। तेरे घरों में देखता हूँ। अंदरा यार लेटर बॉक्स से कोई चिट्ठी रखकर। किसकी चिट्ठी? प्यारे मोहन की। जय बजरंग बली। पूजनीय मेरे साहेब, चरण स्पर्श करके मेरा प्रणाम। साहेब आज उषा काल में सुलेखा जी को घर से जाते देखकर मैं बहुत चिंतित हुआ। कारण जानने की बहुत चेष्टा की परंतु वे नहीं बोली, स्थान भी नहीं बताया, इसलिए मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। इस घोर पापी संसार में उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। उनकी यात्रा समाप्त होने पर मैं उनके समाचार सहित आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें और 5 रुपए काट कर मेरा शेष वेतन संभाल के रखे, मैं लौट के ले लूंगा। हम दोनों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आपका अति नीच सेवक प्यारे मोहन इलाहाबादी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अकेले तो नहीं, किसी आफत में तो नहीं पड़ेगी। पड़ने की जरूरत क्या है, आफत तो साथ ही गई है। अगर परिमल के आने तक वापस ना आई तो क्या होगा। ए, चलो स्टेशन चल के देखते। दिखाओ या पढ़ के सुनाओ। अरे दिखाओ। तू बनकर इलाहाबाद से आया हो? वहीं से। हे भगवान परिमल ना आए। आ रहा है हरिपत भैया के साथ और आज ही। अब क्या होगा, क्या कहेंगे उसे? अरे कह रहा क्या है, मैं तो सच सच कह दूंगा कि तेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ। मैं क्यों डरूंगा, मेरे साथ थोड़ी भागी है। देखो रो नहीं, ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही भाग जाते हैं। नौकर कह देंगे कि घर में कोई नहीं है, साहब लोग चले गए हरिद्वार अपना क्रिया कर्म करने। आप बैठे बैठे बातें बनाइए, जब तक वो लोग आ भी जाएंगे। शायद आ भी गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कल रात परिमल के एक दोस्त ने फोन किया था कि भैया और परिमल आज 11:20 की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। टेलीग्राम का आजकल कोई भरोसा नहीं ना, इसलिए ट्रंक कॉल करवाया है। आपको मिली कोई खबर? अभी अभी टेलीग्राम मिला है, मगर सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर मिली। क्या हुआ? तो तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें बता देता हूँ, और फिर तुम परिमल के दोस्त भी हो, शायद तुम्हें कोई रास्ता निकालो। मगर हुआ क्या भाई साहब? होना क्या है, वो उधर परिमल आ रहा है और इधर सुलेखा ना जाने कहाँ चली गई है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, बम्बई बड़ा खतरनाक शहर और एक लड़की, वो भी अकेली? नहीं नहीं नहीं, नहीं अकेली नहीं, साथ में प्यारे मोहन भी है। प्यारे मोहन? मतलब वो ड्राइवर? हाँ। वो भी क्या बिना इजाजत के? हाँ प्रशांत। इसका मतलब सुलेखा जी और वो ड्राइवर दोनों एक साथ आपको बताए बगैर घर से चले गए। भाई साहब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, परिमल बहुत टची आदमी है, मेरा मतलब बहुत स्पर्शकातर आदमी है। ए, बेटे प्रशांत तुम बेशक अंग्रेजी में बोलो, कोई बात नहीं। मतलब भाई साहब परिमल बहुत बुरा मान जाएगा। प्रशांत परिमल तो तुम्हारे बहुत दोस्त है, तुम्हें उसे कुछ समझा देना। क्या समझाऊं भाभी? जो तुम ठीक समझो, सुलेखा के यहाँ आने तक कैसे भी किसी तरह भी तुम उसे समझा के रखना। देखता हूँ क्या हो सकता है, चलिए स्टेशन तो चले। नहीं बाबा मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। ओहो भाई साहब आप तो चलिए ना। मैं चलूं? मैं चलता हूँ, मुझे किस बात का डर है। ये तो आप ऐसे ही जाएंगे, कपड़े तो बदल के जाइए। कुछ तो पहन कर जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन ने तो मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया है। आइए आइए भाई साहब, आइए चलिए। स्टेशन तो आ ही गया ना, इसमें घबराने की क्या बात है? वो आप लोग को कुछ समझते ही नहीं है ना, परिमल भैया ठहरे बॉटनी के प्रोफेसर और मुझे बॉटनी का बी तक नहीं आता। कहीं किसी ने पूछ लिया कि इतनी स्कूल पे क्यों बैठे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम ससुराल जा रहे हो, क्लासरूम नहीं। यही तो मुसीबत है, जिसे मैं भाभी कहकर बुलाता हूँ
उसका नाम लेकर कैसे बोला? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? परिमल और सुलेखा वहाँ नहीं हो तो भाग गए। तो हाँ, अरे कुछ दिन की बात ही निकल जाती है। याद रखो भैया, एक्टिंग में आठ आना गुस्सा, चार आना अभिमान, दो आने शांति, एक आना हम्बलनेस, एक आना गुरु। सुनाने हो गए? हो गए। स्टेशन पे कौन आएगा? जो भी आए प्रशांत जरूर आएगा, तुम्हें अपने घर ले जाए। वो आएगा ना? जरूर आए। ठीक है। लगता है गाड़ी आ गई। चलिए भाई साहब चलिए। तुम जाओ, मैं यहीं ठहरता हूँ। मैं जरा सोचता हूँ कैसे बात करूँ। अच्छा, वो आ गए। मर गए। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। आइए, आराम रहा ना। वो है राघव। आई आई आई। परिमल, राघव से मिलो। हाय लागू जीजा जी। जीते रहो जीते रहो। घर में सब ठीक ठाक? ठीक ही है। सुलेखा नहीं आई? नहीं, वो यहाँ नहीं है। मतलब है कि बाहर गई है। बाहर गई है? उसे मालूम था कि मैं आने वाला हूँ, बाहर चली गई। कब गई? कब? आज ही सुबह। आज सुबह अकेले गई? नहीं नहीं, अकेले नहीं, साथ में वो है ना, वो प्यारे मोहन। प्यारे मोहन? कौन प्यारे मोहन? ड्राइवर, बड़े भैया ने इलाहाबाद से भेजा था। ओ, बड़े भैया, ये वही प्यारे मोहन है ना जो हमारी शादी में आगे आगे घूम रहा था, सुलेखा के साथ बहुत घुल मिल गया था, स्मार्ट गोरा चिट्टा आदमी। सवाल उठा, वेटिंग रूम में रखो, मैं आज दोपहर की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ। अरे अरे, परिमल कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो वापस चलो। जहाँ जिसका अधिकार ना हो वहाँ मैं कभी नहीं जाता। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारा अधिकार कैसे नहीं है? ये तो तुम्हारी ससुराल है। ससुराल? जिसकी बीवी होकर के भी नहीं है, वो तो विधवा है। हाँ, परिमल विधवा नहीं, रंडवा। रंडवा? हाँ वही, रंडवा रंडवा। जब मेरी बीवी नहीं तो समझी मैं, जब मैं नहीं तो समझी कोई नहीं, मैं परिमल ही नहीं। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते। प्रशांत भैया, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन। हाँ, क्यों नहीं, परिमल मेरे बचपन का दोस्त, परिमल जो बिना अधिकार के किसी के घर नहीं जाता। वो तो जा ही नहीं सकता ना। हाँ, मगर एक दोस्त के घर तो जा सकता है। मैं तुमको इस तरह जाने नहीं दूंगा, तुमको मेरे साथ घर चलना होगा। क्यों भाई साहब? जैसे तुम ठीक समझो। आप मुझे गलत मत समझिए जीजा जी, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरी अच्छी तरह समझता हूँ बेटे। आप नहीं समझ सकते जीजा जी, मैं बहुत 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 मजबूर। चलो प्रशांत, चलो चलो राघव, हम टैक्सी में चलते हैं। कोई नहीं, सामान ले आओ। ये सब क्या हो गया राघव? जवाबी की मेहरबानी है, घर चलिए बताता हूँ। चलो। आ, आ, आ। मकान तो बहुत बढ़िया बना रखा है प्रशांत भैया। मैं कौन हूँ? प्रशांत भैया, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ। प्रशांत 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 भैया नहीं। ओ हाँ, प्रशांत प्रशांत। तुम्हारी बीवी आज ड्राइवर के साथ भाग गई है ना? मेरी बीवी? परिमल की बीवी। अरे भाई, अब तुम परिमल हो ना यार। ओ हाँ, परिमल। तुम्हारी बीवी आज ही भाग गई है और तुम खुश हो, है? हंस रहे हो? है। सॉरी सॉरी, ऐसे मुंह लटका के रहो। That's better. अब मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी और साली के पास जाकर थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर यानी हमदर्दी का वातावरण बनाता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझसे पूछेंगी, परिमल जी यहाँ क्यों आए हैं? मैं उनसे कहूंगा, बेचारे की बीवी आज भाग गई। सब औरतें ऐसा करेंगी। औरत है ना, तुम्हारे लिए फिक्र ज्यादा करेंगी, तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह कर सकेंगी। चाहिए चाहिए, मेरा मतलब है, जाओ जाओ प्रशांत। हंसी नहीं, मुंह लटका के बैठो। परिमल परिमल। गाड़ी में से सामान निकालो। ये क्या, परिमल आया नहीं? वो प्रशांत के घर चला गया। ना आप प्यारे मोहन को भेजते और ना आज ये दिन देखना पड़ता। अब तो सुलेखा को ढूंढने का कोई बंदोबस्त करो। क्या पुलिस में खबर करूं? नहीं नहीं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो चुपचाप बैठ जाओ, आगे आगे देखो क्या होता है।
अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? आप तो मेरे जीजा जी के दोस्त हैं। जीजा जी? कौन जीजा जी? प्रशांत बाबू मेरे जीजा जी हैं। ओ हाँ, प्रशांत। प्रशांत तो मेरा जिगरी दोस्त है। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या करती हैं आप? कॉलेज में पढ़ती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या है आपके? पॉटनी। क्या कहा? पॉटनी। बॉटनी। वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझे पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, बॉटनी है ना। एक प्याला चाय मिलेगी? हाँ जरूर। क्या हुआ? ओह प्रशांत भैया, मैं किसी होटल में जाके नहीं रह सकता। क्यों? आपकी वो साली बॉटनी पड़ती है। बेटा मैंने सब सुन लिया, बैठिए ना। क्या पढ़ती हैं आप, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सब पूछने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा नहीं था कि मुंह लटका के बैठे रहो चुपचाप? लगता है तो सारी जिंदगी मुंह लटका के रखना पड़ेगा। नमस्ते। आओ आओ, आओ। परिमल, ये है मेरी धर्म पत्नी लता। देखिए आप इनके दोस्त हैं, मेरे भाई समान। आप मेरे यहाँ पहली बार आए हैं, आपको कभी मुंह लटका कर बैठने नहीं दूंगी। देखिए आप लोग तो समझते नहीं है ना, मुंह लटका के ना बैठने से सब गलत समझ लेते हैं। अभी अभी एक मुसीबत हो गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम जरा परिमल के लिए चाय लेकर आ, जल्दी से। परिमल तू सब गड़बड़ कर देगा यार। अच्छा देख मैं चलता हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बीवी या मेरी साली। नहीं साली नहीं, साली नहीं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं बीवी, मतलब साली, मैं भाभी को बुला लूंगा। ठीक है। तुम्हारे यहाँ कोई सीलिंग फैन, कोई पंखा? कुमार तू नर्वस क्यों हो रहा है यार? नहीं नर्वस नहीं, मैं अभी राघव भैया से मिलकर आता हूँ। सुनो थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते? इसमें घबराने की क्या बात है, सिर्फ वसुधा से होशियार रहना। वसुधा कौन? जो तुमसे बॉटनी पढ़ने आई थी। साली? तुम्हारी नहीं, मेरी साली। हाँ साली साली। चाय? हाँ? इतनी जल्दी बन गई चाय? तो आप मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर जरूर, आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं ना जी। तो जीजा जी ने आते ही आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन बेफिक्र रहिए मैं आपको बोर नहीं करूंगी। क्या कह रहे हैं आप, म्यूजिक तो बहुत अच्छी चीज होती है, गाना तो सुनाना ही पड़ेगा आपका। सुनाऊंगी अगर आप मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे तो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को बॉटनी नहीं लिटरेचर लेना चाहिए था। पॉटनी मुश्किल जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। और लिटरेचर मुश्किल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी। हद है, किताबें आप बॉटनी पर लिखते हैं और वकालत लिटरेचर की कर रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हो, जरूरी नहीं है कि वो हो, और जो नहीं है वो भी सकता है। मैं समझ गई, आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते इसके बहाना ढूंढ रहे। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, कहाँ आप और कहाँ मैं। अरे भाई ऐसे मातम में क्यों बैठे हो सब लोग? बैंड बजाए क्या? बैंड मत बजाओ लेकिन कोई बात तो करो। आइए आइए भाई साहब। राघव भैया आप परिमल के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझाकर यहाँ भेज दूंगा। ना 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 ना, अगर वो यहाँ आया तो मैं तुम्हारे घर भाग जाऊंगा। क्या जवाई को दूसरे के घर रखोगे? सुलेखा जब तक वापस नहीं आती उसे वहीं रहने दो। अगर सुलेखा वापस ही ना आई तो? ऐसी बातें कर रहे हैं भैया, वो जरूर वापस आएंगी, प्यारे मोहन जो साथ गया। अरे है फिर उसने के पटे का नाम ले लिया? इसमें बेचारे प्यारे मोहन का क्या कसूर? देखिए आप उसे ज्यादा बेचारा बेचारा मत कहिए, मैंने उस जैसा दूसरा बदमाश नहीं देखा जिंदगी में। अच्छा भाई साहब मैं चलता हूँ फिर। हाँ हाँ जाओ, वसुधा अकेली होगी घर में? नहीं अकेली तो नहीं, परिमल के साथ बॉटनी पढ़ रही है। बॉटनी। डॉक्टर त्रिपाठी। ओ आइए आइए बैठे बैठे। देखिए मैं बॉटनी में बहुत वीक हूँ, आप मुझे पढ़ाएंगे ना प्लीज? हाँ जरूर जरूर। अच्छा आप बॉटनी में सिर्फ कमजोर हैं कि और सब्जेक्ट में भी? बाकी सब सब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिए, सिर्फ बॉटनी रह गया। यही तो पहले कर लेना चाहिए था ना। अच्छा आपके बाकी सब्जेक्ट क्या हैं? अंग्रेजी तो होगा ही। क्या पढ़ा है आपको? जूलियस सीजर। व्हाट अ सब्लाइम ट्रेजेडी। मगर ये तो मुझे ज़बानी याद है, मुझे बॉटनी पढ़ा दीजिए।
मुझे ये बताइए करोला का फंक्शन क्या है? करोला करोला ओ यस करोला करोला खाने में कड़वा होता है और लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप तो मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे करोला के बारे में पूछ रही हूँ, आप करेला के बारे में बता रहे हैं। ओ करोला आपके एग्जाम कब है? दिसंबर। फिर तो बहुत वक्त है, जब तक तो सब ठीक हो जाएगा, घबराए नहीं, ये तो कुछ दिनों की बात है, निकल जाएंगे निकल जाएंगे। देखिए मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? ओह नो 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 नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ बातचीत करें, कुछ पूछें, और बॉटनी पे ही नहीं और सब्जेक्ट्स पे भी, और सब्जेक्ट्स पे भी। सॉरी परिमल, मैं तुमको अकेला छोड़ गया था। अरे नहीं अकेला क्यों, वसुधा जी है ना। देखिए आप मुझे वसुधा जी मत कहिए, सिर्फ वसुधा कहिए। वसुधा ने तंग तो नहीं किया ना? नॉट एट ऑल सर नॉट एट ऑल, बॉटनी पढ़ा रहा था मैं। शी इज वेरी गुड इन बॉटनी, वेरी गुड। अच्छा परिमल जरा चलो चोपड़ा साहब से मिल के आना। पढ़ाए उन्होंने, बहुत हंसमुख आदमी है दीदी, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, न जाने सुलेखा जी क्यों। परिमल बुरी तरह फंस गया। आप लोगों के लिए तो हंसने की बात, लेकिन मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। लाख कोशिश की कि वो करोना छोड़ किसी तरह जूलियस सीजर की बात करे, लेकिन नहीं सर, शेक्सपियर मर गया लेकिन वसुधा के हाथ से करोना नहीं छूटा। भैया एक तुझे आपने नजर बट्टू दे रखा ना मुझे, इसने मुझे बड़ा परेशान कर रखा। यही तेरा स्कोरिंग पॉइंट है। बड़े भैया उधर क्या हाल है उनके जीनियस जिज्जा जी का? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। मेरा ख्याल है आप तुम उन्हें माफी करो। बड़े भैया बस दो तीन दिन की बात और है, नया ड्रामा पक रहा है सुकुमार और वसुधा का। नहीं भैया अगर मुझे उसे दो दिन और बॉटनी पढ़ानी पड़ी तो मैं तो उसे बोलूंगा। शांत शांत शांत, जरा सब्र से काम लो बच्चू, देखो कष्ट करने से ही कृष्ण मिलता है। राधिका, राधिका। हाँ हाँ राधिका मिलती है। और सुनो बॉटनी की एक किताब खरीदो, रात भर पूरे चैप्टर को रट्टा लगाओ लगाओ, और जाते ही सुबह जाके सुनाओ और फिर छा जाओ। कुड़ी कितने जाएगी? वसुधा जी जी, the corolla is composed of a number of thin units, the petals usually white or bright or of a more or less tubular bell shaped. ये मैंने कल रात को पढ़ लिया है। क्या कहा? ये मैंने कल रात को पढ़ लिया। पढ़ लिया? मुझे ये बताइए कि गेंदे का फूल फूल होकर फूल क्यों नहीं है? ये क्या क्या कहा आपने, जरा फिर कहिए। गेंदे का फूल फूल होकर भी फूल क्यों नहीं है? गेंदे का फूल सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखिए गोभी का फूल फूल होकर के भी फूल नहीं समझी, इसी तरह गेंदे का फूल फूल होकर। आप बहुत मजाक करते हैं, उस दिन करोला को करेला बना दिया और आज गेंदे के फूल को गोभी का फूल बना रहे हैं। यस ऐसा ही है, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो कैसे हो सकता है। अब देखिए झींगा मच्छी मच्छी है लेकिन मच्छी नहीं, झींगा खोए की बर्फी बर्फी है लेकिन बर्फी नहीं, खोया है। परिमल भैया जीजाजी आए हैं आपसे मिलने। क्यों कहाँ है वो? अंदर हॉल में बैठे हैं। अच्छा मैं आप माफ कर। ये परिमल भी अजीब तरह से हंसते हैं। माँ जी पूछ रही हैं कुछ नाश्ता करेंगे आप? नहीं महाराज आजकल मुझे भूख नहीं लगती, सिर्फ चाय पी लूंगा। नमस्ते जिया जी। नमस्ते। बैठे बैठे बैठे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा ही हूँ बेटे। बड़े भैया नहीं आए? नहीं वो तो अभी तक सो रहे होंगे। हाँ। कोई चिट्ठी आई चले तक? नहीं। अच्छा आपका क्या ख्याल है, कहाँ गई होगी? क्या कहूँ, कुछ कहकर तो गई नहीं। कह के कैसे जाती, जब प्यारे मोहन के साथ गई है तो? नहीं नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है जीजा जी, कैसी बात नहीं है, शादी के पहले से वो प्यारे मोहन को जानती है, ये बात आप नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, हम ठीक कह रहे हैं नहीं जानते थे। अब तो जान गए ना,
मैं अगर पहले जानता होता तो उसे कभी शादी नहीं करता। ऐसे मत कहो परिमल। फिर कैसे कहूँ जीजा जी, कैसे कहूँ? आखिर कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा ना। कैसा फैसला? यही शादी का। फिर वक्त आने पर सोचा जाएगा। अभी तो मैं चलता हूँ, मुझे वसुधा को बॉटनी पढ़ाना है। वसुधा बड़ी अच्छी लड़की जीजा जी, लाखों में एक, लाखों में एक। अच्छा नमस्ते, वो मेरा इंतजार कर रही होगी ना। चले गए राघव भैया। राघव भैया कहाँ चले गए थे सुबह सुबह इतना सच धज के? गया था आपके परिमल से मिलने। कौन सा परिमल? और कितने परिमल हैं, एक ही तो चुन के निकाला आपने, और कुवार नहीं मिला था आपको लड़की के लिए? क्या हुआ सुबह सुबह इतने गुस्से में? देखिए भैया, ये परिमल सही आदमी नहीं है। मैं मानता हूँ कि गलती अपनी लड़की की है, मगर उस आदमी के चेहरे से पता नहीं चलता कि उसे भी कुछ दुख हुआ है। उसने एक बात की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या कहा उसने? कहा कुछ नहीं, कहते कहते रुक गया। मगर भैया हम भी शब्द सुनकर मतलब समझ जाते हैं, लगता है कि उस घर में कोई बखेड़ा पड़ने वाला है। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ भैया, वसुधा को पढ़ाते पढ़ाते हैं। 5 दिन हो गए, आपने आज तक मुझे बॉटनी का एक भी लेसन नहीं पढ़ाया। तुम बार बार मुझे बॉटनी की धमकी क्यों देती रहती हो? बॉटनी क्या है, बड़ी आसान चीज है? कभी जी नहीं, आसान आपके लिए है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? अरे यही देखिए ना, गोल आलू को कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम और मीठे आलू को कहते हैं मॉडिफाइड रूट। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जो जैसा है वो कई बार नहीं होता, जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकती है वो हमेशा सोना नहीं होती। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम टू बी। समझ गई ना? जी नहीं, कुछ नहीं समझी। नहीं समझी? दरअसल ये बड़ी डीप रूटेड फिलॉसफी है। जैसे तुम कह रहे थे ना, वो तुम्हारा क्या नाम है उसका, मॉडिफाइड रूट। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने पहली बार सुना है। परिमल भैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? परिमल भैया को देख के तो पता नहीं लगता कि उनकी पत्नी भाग गई। देखो जी, जिस तरह वसुधा को लेके बाग में घूमते फिरते रहते हैं, मुझे वो भी पसंद नहीं। अरे भाई, बॉटनी कमरे में बैठकर नहीं सिखाई जाती, फूल पत्तियों में सिखाई जाती। इतना बड़ा प्रोफेसर है, फील्ड वर्क सिखा रहा होगा वसुधा को। यू डोंट बॉदर। मुझ जैसा निष्पाप, निर्दोष लेकिन मजबूर कैरेक्टर तुम्हें लिटरेचर में भी नहीं मिलेगा। जिसे चाहता उसे कह नहीं सकता, जिसे कह सकता उसे चाह नहीं सकता, यानी उसे तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती वसुधा। लेकिन सुलेखा दीदी की भी तो कोई मजबूरी होगी। मुश्किल क्या है, सुलेखा दीदी के लिए प्यार है तुम्हें, लेकिन मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं ना। प्यार क्या हमदर्दी भी नहीं है। क्या है? तुमने मेरा दिल नहीं देखा। मेरे नाम पर मत जाओ वसुधा, मेरे दिल के अंदर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा। डॉक्टर त्रिपाठी, अगर आपको सुलेखा दीदी के बारे में कुछ कहना है तो मुझसे नहीं, दीदी से बात कीजिए। और तुम्हारे बारे में बात करनी हो तो? मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में जो मैं दिन रात सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, वो तो मैं तुम्हें से कह सकता हूँ ना, तुम्हारी दीदी से कैसे कहूँ? डॉक्टर त्रिपाठी, मुझे आपकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मत भूलिए सुलेखा दीदी मेरी बहन जैसी है। मेरी भी तो, मेरा मतलब मेरी जो भी हो। मुझे नहीं पढ़ना आपसे। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे छोटू, तुम बाहर जाके बैठो। एक लंबे से साहब अंदर आएंगे। इतने लंबे, उनको अंदर आने देना, उनके अलावा किसी और को अंदर मत आने देना। जल्दी जल्दी, तू आ गया। अरे ड्रामा जम रहा है ना? अरे ऐसा जम रहा है, ऐसा जम रहा है जैसे दही। तूने उस बैरिस्टर की लस्सी बना दी बिलो बिलो। उनकी इकलौती साली भाग गई, वो भी साले एक मामूली ड्राइवर के साथ। मामूली ड्राइवर कैसे बोल रहा है? प्रशांत, आज मैंने जब तुझे फोन किया तो सुकुमार ने उठाया था और मुझे रात को 8 बजे आने के लिए कहा। आज क्या है,
ले तू आ गया। आइए आइए परिमल बाबू। मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूँ। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी एक मिनट मैं सही में था। मेरे ख्याल से तुम रहने दो। ओ सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ मैं बन के नहीं, तुम बन के। और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है, मैं कह रहा हूँ कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं हूँ, यानी मैं जो तुम। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है, सीधी तरह बात करना। सीधी तरह कहां से करूं, बात तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना। होना नहीं है ना। हाँ है ना। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार के दिल की बात कहना चाहता हूं तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है। कंबख्त क्या? परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है। इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा। तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है। नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात। नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो, और वो ही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा। क्यों परिमल है? एक्टर क्या है? डायरेक्टर के हाथ के कट पुतले। एक्टिंग मैं नहीं जानता, एक्टिंग आप लोग करो, मैं तो उसे सब कुछ जाके बता दूंगा। हाँ सब कुछ बता दूंगा, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और आप भी कौन है। मैं कौन हूँ? अरे भाई मैं तो प्रशांति हूँ। तो बताने में क्या है, बताने में क्या है? और सेफ्टी सेक मैं तो वो भी बता दूंगा। हाँ कुमार, क्लाइमेक्स पे पहुंचाकर ड्रामे की छुट्टी मत कराओ। सुनो सुनो कुमार जी, तुम अपनी एक्टिंग किए जाओ, अगर अवार्ड नहीं मिला तो रिवॉर्ड तो जरूर मिल जाएगा, और जब क्लाइमेक्स की गुत्थी खुलेगी तो वसुधा अपने आप समझ जाएगी। समझ जाएगी? हाँ। लेकिन दिलाते हो? हाँ। पक्की बात? हाँ। वसुधा जी, क्या बात, आप मुझे देख के वापस जा रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने काम से जा रही हूँ। आप मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप रोज सुबह बाग में पढ़ने आती हैं ना, इसलिए मैं चला गया, और अब आप देख के मुझे वापस लौट रही हैं, क्या किस्मत है मेरी। अब भी आप कहते हैं मैं आपको गलत समझ रही हूँ। शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से प्यार जताना क्या शरीफों का काम है? वसुधा जी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं आपको एक शरीफ इंसान समझती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब मैं शरीफ हूँ, लेकिन देखिए प्रोफेसर के पास, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपने नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आप तो कुछ समझती नहीं है ना। जी नहीं, मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। जब तक सुलेखा दीदी यहाँ ना आए आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, आप बात भी नहीं कीजिएगा मुझसे? जी नहीं, मैं आपका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अरे रे 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 रे, केस तो बहुत खराब होता जा रहा है, फिर भाड़ना फोड़ना पड़ेगा। जी यहीं बैठे। देखिए सुलेखा दीदी का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ। आप उन्हें दीदी कह रहे हैं? सॉरी, भाभी कहना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर त्रिपाठी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी? हाँ प्रोफेसर त्रिपाठी, और प्यारे मोहन जो अपनी बीवी यानी वाइफ सुलेखा जी के साथ भाग गए। आप कौन? मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ सुकुमार सिन्हा, बॉटनी का बी भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप वसुधा हैं, और आपकी और मेरी दोनों की शादी नहीं हुई अभी तक। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अभी किसी से कहना मत। मैं तो सोच रही थी प्रोफेसर त्रिपाठी बहुत ही सीरियस आदमी होंगे, लेकिन वो तो बड़े रसिक निकले। प्रोफेसर होने से ही आदमी सीरियस हो जाता है, ये कैसे सोच ले तुम? मैं भी तो प्रोफेसर हूँ,
लेकिन मैं नहीं। आप बहुत रसिक हैं। लेकिन मैं बहुत जेन्युइन हूँ वसुधा, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब ये फूल बना दो तुम्हें। The modified stem of the vascular bundle. क्या हुआ? कुछ नहीं, पड़ी है। ये फूल है, छोटा फूल, ये बड़ा फूल, ये बड़ा फूल छोटा फूल का दीदी है, दीदी पीछे खड़ी। अब क्या होगा? दीदी को शक हो गया है। चलो कहीं भाग चले यहाँ से। गई थी एग्रीकल्चर फार्म, इतनी देर तक क्या कर रही थी वहां? वोट नहीं पड़ रही थी। इतनी देर तक? ओहो दीदी, लेसन बहुत लंबा था। सुबह से जो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वो खत्म ही नहीं होता था, खत्म ही नहीं होता था। ये अंगूठी किसकी है? बाग में मिली, बाग में पड़ी हुई मिली। उन्होंने दी। उन्होंने किसने? वो जीजा जी के दोस्त है ना, उन्होंने। ओह तो बात यहाँ तक पहुँच गई, अब तुम उन्हें नाम से भी नहीं बुला सकती। अंगूठी दिखा, दिखा अंगूठी। केस क्यों लिखा है इस पे? वो हाँ दीदी, वो मेरा नाम है ना, वसुधा, वी ए एस यू डी एच ए, वो एस, वो एस नहीं, तू एस है, गधी है, तेरे अकल पे तो ताले पड़ गए हैं। अरे करमजली, इतना भी नहीं समझती, वो एस सुलेखा का एस है, तेरी सौतन का जो तुझे दे रहा है। अरे सुलेखा को क्यों बीच में ला रही हैं आप? उसका मेरे साथ क्या संबंध? वो तो चली गई उसके साथ जिसके साथ उसका संबंध था। अब तो बस एक ही पवित्र बंधन है, वसुधा और मेरा। आशीर्वाद दीजिए। सुधा प्रणाम करो दीदी को। सुधा परिमल बाबू, आप मेरे यहाँ से निकल जाइए, इसी वक्त निकल जाइए। आशीर्वाद देकर हमें भेजे तो अच्छा रहेगा। क्यों सुधी? आप निकलते हैं नहीं। ठीक ठीक है, आप कहती तो हम चले जाते। आप लोग तो कुछ समझते नहीं है ना। चल जा, चुपचाप अपने कमरे में चली जा, बाहर निकलेगी तो टांग तोड़ दूंगी। जा। मसूदा, ये ले, जल्दी से एक चिट्ठी लिख, जल्दी लिख, जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिख। हैं? दीदी बहन जी, आज क्या क्या बनाऊं? जो मन में आए। फिर भी कुछ तो कहिए, परिमल बाबू को बैगन का भरता बहुत पसंद है, बनाऊं? नहीं, आज से इस घर में बैगन का भरता कभी नहीं बनेगा, समझे? जाओ। हाँ, ला, तू पीछे की सीढ़ियों से भाग जा, बाहर सुकुमार तेरा इंतजार कर रहा है। और दीदी? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, उसका सीन लिखा जा रहा है, मैं संभाल लूंगा, तू जा जा जा। लता, 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 क्या हुआ? अरे वो तो चली गई। देखो दीदी, मैं जा रही हूँ उन्हीं के पास, हम दोनों कल सुबह नया समाज मंदिर में शादी कर रहे हैं, आप दोनों खुद आकर आशीर्वाद दें तो अच्छा है। आपकी वसुधा। हे भगवान, ये बहुत हो गया है, ये बहुत जाती हो रही है, न जाने दीदी पर क्या गुजर रही होगी। मैं भी अपने दीदी के सर पर ही मजाक नहीं हूँ, चलिए हम दोनों जाके सब बता दें। हाँ। अच्छा अच्छा, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को अपनी बहनों की बहुत फिक्र है, पुज्जे जीजा जी पे किसी को तरस नहीं आता। अच्छा कल का प्लान सुन लो प्रशांत जी, तुम जाके वसुधा और सुकुमार यानी वसुधा और परिमल की खबर दोगे जीजा जी। मैं नहीं जाऊंगा। राघव भैया मेरी पिटाई कर देंगे। मैं लता को भेज दूंगा, बड़ी जेन्युइन लगेगी और उसने पहले से ही खाना पीना छोड़ रखा है। गुड, तो तुम मंदिर का काम संभालना और परिमल तुम सुलेखा को लेकर आरे कॉलोनी जाओ, मैं किसी बहाने जेम्स को वहां भेजूंगा और फिर जेम्स तुम्हें जीजाजी के सामने पेश करेगा। ठीक है? रेडी फॉर टैक्स सर। याद रख, कल सुबह ठीक 9 बजे अरे कॉलोनी में। ए, जल्दी आओ, जेम्स आ गया। किसे ढूंढ रहे हैं आप? एक साला ड्राइवर को, वो साला मालिक की थाली को भगा लाया, बहुत बदमाश आयो। अरे बदमाश क्यों भाई, रसिक निकले बोलो। हाँ हाँ, अगर मिल जाए तो साले का रस निकलूंगा।
ड्रेस बदलकर जेंटलमैन बनता है अभी चका तू मटा अरे नहीं ए कहाँ जा रहे हो तुम मैं गलती से पकड़ लिया तो मुझे माफ कर दीजिए अरे भाई आँख खोल के तो बात करो अब अगर आप माफ नहीं करेंगे तो हम आँख नहीं खोलेंगे अच्छा बाबा माफ कर दिया अब आँख तो खोलो माफ कर दिया हाँ नमस्ते भाई साहब कुछ कीजिए मैं मर जाऊंगी दीदी मेरी इज्जत बचा लो माँ मेरी गोद में डाल के गई थी वसुधा को उसे देखना उसे संभालना तो फिर उसे गोद ही में रहने देना था सब चाहने की क्या जरूरत थी आप भुगतो किसी तरह ये शादी आप रुकवा दीजिए आप बैरिस्टर होके के कानून नहीं निकाल सकते मैं जब बैरिस्टर था तो शादी करवाने के कानून बताया करता था और शादी के बाद तलाक के रास्ते बताता था मगर शादी रुकवाने का रास्ता मैंने नहीं सीखा प्रणाम हजूर प्रणाम हमने कहा था हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे आ गए मैं और सुलेखा जी कुशलता से हैं आपका स्वास्थ्य कैसे है अरे निकल जाओ यहाँ से निकल जाओ नहीं तो सर पड़ दूंगा हजूर आप नाक गुस्से का इजहार गजब करके अपनी तबीयत गिरामी को नुकसान पहुंचा रहे हैं रास्कल आप ये नहीं चालाकी शुरू की आग लाने की गुस्से में ये भी होता है इस खादिम के साथ ये नाचीज अकलाने के साथ साथ उर्दू में बोलने लगता है मैं तेरा बोलना अभी बंद किए देता हूँ क्या हुआ जीजा जी आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं तू कहाँ गई थी इतने दिन वो कहानी आप बाद में सुनी पहले से मंदिर ले चलिए मंदिर क्यों परिमल शादी कर रहा है वसुधा के साथ ऐसे नहीं हो सकता सुलेखा भैया मुझे बचा लीजिए भैया जीजा जी मुझे उनके पास ले चलिए मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मेरा सुहाग बचा लीजिए मैं कसम खाती हूँ दीदी मैं निर्दोष हूँ चलो चलो जल्दी करो राघव कौन सी गाड़ी निकालो पेट या मर्सिस खैर आप खबरदार जो गाड़ी को आग लगाया तो निकल जाओ नहीं 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 इन्हें रहने दीजिए अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगी सुलेखा ठीक कह रही है इसे भी ले चलो अच्छा चलो 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 इसे पहन लीजिए मेरा क्या होगा दीदी ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा विवाह संपन्न हुआ चलो भाई शादी हो गई शादी हो गई कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस लो वो भी आ गए आप शादी के मंडप से पहुंच गए हमारे लिए जरा रुपए दे सके थोड़ी दिनों के लिए तो मैं बाहर गई थी ये ही था आपका प्यार मुझे तो मालूम था कि शुभ अवसर पर आप आने जाएंगे शादी तो हो भी चुकी दीदी मेरा क्या होगा ऐसे शुभ मौके पर रोना नहीं चाहिए तो नमक छिड़कते हो अरे ये क्या कह रही है दीदी हमारे देश में नमक खाने को तो मिलता नहीं छिड़कने को कहाँ से मिलेगा क्यों जीजा जी मैं तुझे जेल ना पहुँचाऊँ तो मेरा नाम नहीं मैं तुझे बेगमी का केस करूँगा पंडित अबे तू कहाँ खिसक रहा है मैंने क्या किया शादी किया तूने नहीं की भगवान कसम नहीं की अभी तक तू आ रहा हूँ मैं तेरी नहीं इनकी शादी की है तूने अब उल्टे फेरे करा तुझे शादी उतारनी पड़ेगी है? अरे ये क्या कह रहे हैं बड़े भैया ये कोई भूत है जो उतर जाएगा क्यों जीजा जी क्यों जीजा जी जो बातों से नहीं उतरता वो नातों से उतरता है राघव भैया क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप सारी गड़बड़ इस प्यारे मोहन की वजह से हुई है इसे आप कुछ नहीं कह रहे इस रास्कल ने बेड़ा गर्क किया रास्कल नहीं किबला बदमाश बोलिए बदमाश हम हिंदी बोलते समय इंग्लिश का प्रयोग उचित नहीं समझते साहब प्रशांत ने बिल्कुल ठीक कहा है पहले हम तुम्हारी मरम्मत करेंगे फिर इससे बात करेंगे तो अभी आपकी हमदर्दी गई नहीं दर्द तो जा सकता है पर हमदर्द को कैसे जाने दूं अब बोलिए साहब प्यारे मोहन तुझे आज मरना ही पड़ेगा क्योंकि परिमल को जीना है समझे तू अपनी मौत का तरीका खुद ही ढूंढ ले ठीक है हुजूर लेकिन इतनी इनायत जरूर कीजिए मेरी मौत काबिले ताजीम जीनत हिंद जनाब चीजा जी के हाथ होनी चाहिए अवश्य तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से हो कान से हाँ,
सुलेखा से शादी करने से। ये आप क्या कह रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए? अरे समय, प्यारे मोहन को बेमौत मारने का यही तरीका है, नहीं समझे? असली परिमल है ये, और नकली वो। मैं हूँ सुकुमार सिन्हा और ये है वसुधा, और हम दोनों की शादी हो चुकी है। ओ, तो आपको मालूम था ये सर? बाहर होता तो शायद कह देता कि जानता था, मगर मंदिर में खड़े होकर झूठ कैसे बोलूं? तो बैठ के बोल दीजिए। हाँ चुप रे, बात उन लोग बनाया तूने पहले ही हमारा। जीजाजी, दीदी माफी चाहता हूँ, सचमुच मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, पर मैं क्या करता, सुलेखा ने इनकी इतनी तारीफ की कि मैं जल के राख हो गया था। क्यों जीजाजी, आप तो सूख के आदमी पहचान लेते थे ना? सूंघ ही लेता बेटा, मगर जुकाम जरा लंबा हो गया था। यकीन मानिए, जुकाम में नाक बंद होती है, मगर मेरी अकल बंद हो गई थी। इस उम्र में जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, मगर आप जनता जनार्दन है, बाहर जाकर किसी से मत कहिएगा कि मैं उल्लू बन गया। नमस्ते।